गुड इवनिंग फ्रेंड्स, क्वेरीज तब होती हैं जब आप पढ़ते हैं, जब पढ़ेंगे ही नहीं तो क्वेरीज कहाँ से हो जाएंगी। आप सिर्फ लेक्चर देख देख कर सुन सुन कर रख देते हैं, कोई फायदा नहीं होगा इस चीज का। लास्ट टाइम हम पेज 18 पर थे, 194 बी में लॉटरी इनकम, क्रॉसवर्ड पजल्स, टीवी गेम्स, इस पे 30% टीडीएस काटा जाता है। हम एक सेक्शन करेंगे 115 डबल बी, जहां इन इनकम्स पर टैक्स रेट फ्लैट 30% होता है, कोई स्लैब नहीं मिलता। इन इनकम्स पर 2,50,000 का स्लैब नहीं मिलता, ये इनकम्स फ्लैट 30% पे टैक्स होती है। एक क्वेश्चन देखे थे लास्ट टाइम आप, एक एनआर है, मारुति कार जीती उसने, उसका मार्केट प्राइस है 240। सेट क्रॉसवर्ड पजल वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय कैडबरीज, सो कैडबरीज गाड़ी दे रहा है, टैक्स रेट 115 डबल बी में होता है 30%। अगर कैडबरी, दो तरीके हैं, कैडबरी एंश्योर करेगी कि टैक्स हैज बीन पेड बाय द विनर, किस तरह से कैडबरी विनर से उसका टैक्स ले लेगी, आइदर कैश ले लेगी और फिर टीडीएस जमा कर देगी, या विनर को बोलेगी 30% टैक्स जमा कर दे अपना, हमें चलान दे दे, एक सर्टिफिकेट दे दे कि मैंने टैक्स जमा किया 2% विनिंग। सो पहला तरीका है कैडबरीज लिमिटेड रिकवर्स अ टैक्स फ्रॉम द विनर। इन केस द कंपनी कैडबरीज लिमिटेड रिकवर्स द टैक्स फ्रॉम द विनर, यहां हमने टैक्स रेट को बढ़ा दिया है बाय एजुकेशन सेस। आपने पढ़ा था फर्स्ट पेज पर सेकंड पेज पर कि एनआर को जो पेमेंट जाएंगी उनमें सरचार्ज एजुकेशन सेस ऐड होगा। यहां पेमेंट 50 लाख से कम है, इसे सरचार्ज नहीं लग रहा। अगर रिकवर कर लेते 31.2% ऑफ 240, दैट इज 74,880, then it can release the car to the winner. Company in such a case will deposit tax of 74,880 and give TDS certificate of 74,880 to the winner. Yahan winner ki income 250 hi rahegi. Alternatively, if winner gives chalan of advance tax of 74,880 to the Cadbury's Limited and certifies that advance tax is paid on winnings from the car, then also the car can be released to the winner. Cadbury's ने ensure कर लिया कि tax pay हो गया। But अगर terms of contest ये कहते हैं कि tax winner से recover नहीं कर सकते, so Cadbury's को tax अपनी जेब से देना पड़ेगा, और उस केस में winnings from lottery कितनी मानी जाएंगी आपकी, 250 की कार प्लस जो टैक्स बियर कर रही है कैडबरीज, ये भी आपकी इनकम मानी जाएगी विनर की। जो टैक्स है आपके बिहा पर जमा कर रही, मतलब अपनी जेब से जमा कर रही है, बट टैक्स आपका जमा कर रही है, तो विनिंग्स तो आपकी मानी जाएंगी 250 प्लस टैक्स बॉर्न बाय द कैडबरीज। यहां हम ग्रॉसिंग अप करेंगे, वेयर पेज 19, वेयर कैडबरीज लिमिटेड डज नॉट रिकवर द टैक्स फ्रॉम द विनर। इन केस द टैक्स कैन नॉट बी रिकवर्ड फ्रॉम द विनर एज पर द टर्म्स ऑफ द कंटेस्ट एंड एज पर द टर्म्स ऑफ द कंटेस्ट द कंपनी हैज टू बी द टैक्स, देन द कंपनी विल हैव टू पे टीडीएस एज अंडर बिफोर रिलीजिंग द कार टू द विनर। इसे हम बोलते हैं ग्रॉसिंग अप। 240 था, 250 था, सॉरी 240 है, 240 सॉरी, मैं 250 लिख रहा था, 240 है सॉरी, इट्स 240 सॉरी। सो 240 विनिंग है, जो टैक्स कैडबरीज बियर करेगी वो भी विनर की इनकम बन जाएगी, इनटू 31.2% इज इक्वल टू टैक्स,
मैथमेटिकल इक्वेशन बन गई, टैक्स बन गया 1,08,837। अब विनर ये टीडीएस कैडबरीज ये टैक्स अपनी जेब से जमा करेगी, विनर की इनकम कितनी हो गई 240 प्लस जो टैक्स कैडबरीज कंपनी ने बेयर किया, इस पे आप 31.2% टैक्स निकाली, कितना निकल रहा है कैलकुलेटर खोल लीजिए ना। सो 348,837 इंटू 31.2% इज 1,08,837। इसे बोलते हैं ग्रॉसिंग। इलस्ट्रेशन टू देखिएगा, मिस्टर एक्स अ नॉन रेसिडेंट विंस अ मारुति कार इन अ क्रॉसवर्ड पजल, मार्केट प्राइस ऑफ द कार इज 240 एंड ऑल्सो अ कैश प्राइस ऑफ 80,000, कैश भी जीत रहा है यहां पर। द सेट क्रॉसवर्ड पजल वॉज ऑर्गेनाइज बाय कैडबरीज लिमिटेड, टैक्स रेट अंडर 115BB is 31.2%. In case Cadbury's Limited recovers tax from the winner amounting to 31.2 tax लगाइए on 320 minus 80,000 रुपए का कैश है, 19,840 विनर से रिकवर करके इट कैन रिलीज द कार टू द विनर। कंपनी टीडीएस जमा कर देगी कैडबरीज, बट इन केस the tax cannot be recovered from the winner as per the terms of the contest. So terms of the contest कहते हैं tax cannot be recovered from the winner, but terms of the contest कहते हैं कि 80,000 आप recover कर सकते हैं, but in case the tax cannot be recovered from the winner as per the terms of the contest and as per the terms of the contest the company can adjust cash price of 80,000 towards tax and cannot recover further tax, then Cadbury's will have to pay TDS as under before releasing the car to the winner. So taxable winnings kya hain? 320 plus jo tax Cadbury's bear karegi wo bhi winning part ho jayega into 31.2% ye tax bana 80,000 माइनस कर देंगे जो एडजस्ट कर रहे हैं हम, इज इक्वल टू टैक्स, टैक्स आ जाता है 28,837। तो कंपनी कैडबरीज क्या करेगी, 80,000 प्लस 28,837 1,08,837 टीडीएस जमा कर देगी, देयरफॉर टीडीएस इज 80,000 प्लस 28,837 which shall be deposited by Cadbury's Limited in hands of X, income क्या होगी 240 plus 80 income तो है उसकी, income है plus 28,837 348,837 इस पर टैक्स निकालेंगे 1,08,837 जिसमें 80,000 विनर से रिकवर कर लिया, 28,837 कैडबरीज कंपनी ने पे कर दिया विनर के बिहाफ पर। क्लियर है? सो 115BB कहता है कि विनिंग्स पर लॉटरी वगैरह पर 30% टैक्स लगेगा और 194B कहता है टीडीएस कटेगा एट द रेट ऑफ 30%, यानी जितना टैक्स बनता है उतना ही टीडीएस का काट रहे हैं 194BB। TDS on winnings from horse race. Horse races legal होती है मुंबई में, दिल्ली में रेस कोर्स होते हैं। रेस कोर्स में अगर आप बैटिंग करनी है कि ये घोड़ा फर्स्ट आएगा, ये घोड़ा सेकंड आएगा, तो आप ये बैटिंग किसके पास करते हैं, बुकी के पास।
सो बुकी के पास पैसा जमा करते हैं कि मुझे इस घोड़े पे इतना पैसा लगा रहे हैं, और बुकी बताता है अगर ये घोड़ा जीत गया तो आपको इतने टाइम्स पैसा मिलेगा। बुकी इज बुकमेकर, बुकमेकर जो आपसी बैटिंग लेता है और इनाम जीते पर आपको, आपके घोड़ा जीत गया तो आपको प्राइस रिलीज कर देगा। एनी पर्सन बींग अ बुक मेकर और अ पर्सन टू होम अ लाइसेंस इज बिन ग्रांटेड बाय द गवर्नमेंट अंडर एनी लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स फॉर हॉर्स रेसिंग इन एनी रेस कोर्स और फॉर अरेंजिंग फॉर वेजरिंग बैटिंग इन एनी रेस कोर्स हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग टू एनी पर्सन एनी इनकम बाय वे ऑफ विनिंग फ्रॉम एनी हॉर्स रेस इन एन अमाउंट एक्सीडिंग 10,000 शेल एट द टाइम ऑफ पेमेंट देयर ऑफ डिडक्ट टीडीएस एट द रेट ऑफ 30%। कुछ बातें यहां पर सिर्फ हॉर्स रेस है, रेट रेस नहीं है, कैमल रेस नहीं है, डॉग रेस नहीं है, क्योंकि इंडिया में लीगलाइज नहीं है ये। जब मैं आपको आगे कराऊंगा 115 डबल भी कराऊंगा तो इसका लिंक कराऊंगा, यहां एक नोट लिखिए। देयर इज नो टीडीएस ऑन विनिंग्स फ्रॉम कैमल रेस, डॉग रेस, रेट रेस एटसेट्रा। ऑल्दो ये इनकम टैक्स होती है 115 डबल बी में 30%। सो सिंस ये लीगलाइज नहीं है इंडिया में, इसलिए इन्होंने डाला नहीं यहां पर, 115 डबल में लिख दिया है हॉर्स रेस और एनी अदर रेस। जब 115 डबल भी करेंगे तब कराऊंगा। एक नोट और लिखिएगा, आप देख रहे हैं 194B और 194B भी कह रहे हैं कि अगर 10,000 तक की विनिंग है तो टीडीएस नहीं कटेगा, 10,000 से ऊपर विनिंग है तो टीडीएस कटेगा। बट अगर एनआर को पेमेंट हो रही है, एनआर की विनिंग 5,000 भी है तो टीडीएस कटता है, ये बात सेक्शन 195 बोलेगा। तो नोट दे दीजिए, एज पर सेक्शन 195 द थ्रेशोल्ड ऑफ ₹10,000 शैल नॉट अप्लाई इफ नॉन रेजिडेंट अर्न्स फ्रॉम विनिंग फ्रॉम लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल्स, टीवी गेम्स एंड हॉर्स रेसेस। सो 195 बोलेगा कि अगर विनिंग्स एनआर कर रहा है, नॉन रेजिडेंट कर रहा है, तो थ्रेशोल्ड ऑफ 10,000 इज नॉट अवेलेबल। ये बात हम इंटरनेशनल टैक्सेशन में करेंगे, बट अभी मैंने आपको लिंक कर दिया। चलिए आज की क्लास की स्टार्टिंग एक बड़े इंटरेस्टिंग सेक्शन से करते हैं, ये तो सारे रूटीन सेक्शन हैं। आपने देखा मोदी जी जब से आए हैं कैश के पीछे पड़े हुए हैं, आते ही नोटबंदी कर दी थी। तो बेसिकली मोदी वांट्स कैशलेस इकोनॉमी। मैं रिसेंटली लंदन गया, आई वॉज सरप्राइज्ड
देयर नो वन इज एक्सेप्टिंग कैश. इवन जो टैक्सी ड्राइवर है वो कहते हैं जी मैं कैश नहीं लूंगा. कोविड प्रोटेक्शन मेजर है हमारा कि कोविड है आपको तो मुझे पाउंड्स देंगे तो हो सकता है कोविड मुझे ट्रेवल कर जाए. तो इवन टैक्सी ड्राइवर्स ने जो पैसेंजर सीट है वहां पर वो लगाई हुई कार्ड मशीन कि कार्ड मशीन से स्वाइप कर दीजिए मेरी पेमेंट कर दीजिए. आप रेस्टोरेंट्स में जाइए लंदन में दे डोंट टेक कैश एट ऑल. वहां लिखा नो कैश एक्सेप्टेड. सो बेसिकली हम भी एक कैशलेस इकोनॉमी की तरफ मूव कर रहे हैं. आपने देखा सेक्शन 269 ST किया था हमने कि 2 लाख या उससे ऊपर कैश रिसीव कर लिया तो पेनल्टी होती है अमाउंट की. आगे और भी प्रोविजंस करेंगे हम. Page 51 मोदी साहब कहते हैं कि अगर कोई कैश बैंक से निकाल रहा है तो उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए. आप इतना ज्यादा कैश क्यों निकाल रहे हैं? इतना ज्यादा मींस 1 करोड़ से ऊपर. पूरे साल में अगर एक बैंक से या उस बैंक की ब्रांचेस से सो बैंक ऑफ इंडिया और उसकी ब्रांचेस से अगर कोई कस्टमर 1 करोड़ से ऊपर कैश निकाल रहा है तो मोदी साहब कहते हैं इस पर्सन की ट्रैकिंग करेंगे. एंड देयरफॉर एक सेक्शन 194N लाया गया पेज 51 पर. बैंक आपका TDS काटेगा. आपने जो कैश निकाला उस पर TDS काटा जाएगा. सो 194N एक ऑब्लिगेशन क्रिएट करता है बैंक्स पर, कोऑपरेटिव बैंक्स पर, पोस्ट मास्टर्स पर, बिकॉज आप पोस्ट ऑफिस में भी अकाउंट खोल सकते हैं. अगर आपने कहीं से भी 1 करोड़ से ऊपर कैश निकाला तो बैंक वाला, कोऑपरेटिव बैंक, पोस्ट मास्टर आपका TDS काटेगा ऑफ 2%. स्टार्ट करते हैं. तो TDS कट गया, अब आपकी रिपोर्टिंग आ जाएगी TDS रिटर्न में, क्वार्टरली रिटर्न में, कि आपने कितना कैश निकाला. 194N की रिपोर्टिंग आ गई, उसमें TDS कटेगा. और अब जो गवर्नमेंट की इन्वेस्टिगेशन सेल्स बैठे हुए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में वो देखेंगे ये कैश क्यों निकला है. और बहुत ज्यादा कैश निकला आपका डिसप्रोपोर्शनेट टू योर इनकम, केसेस आपके इन्वेस्टिगेशन में लगा देंगे. 194N फाइनेंस पेज 51. फाइनेंस एक्ट 19 से लाया गया था ये, इसमें काफी कमियां थी. फाइनेंस एक्ट 20 ने इसे डिलीट कर दिया और डिलीट करके 194N दोबारा से बनाए. एवरी पर्सन बीइंग, एक मिनट, ये कह रहे हैं कि अगर मैंने बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, SBI इससे 50-50 लाख का निकाला है, क्या इसे एग्रीगेट करेंगे? नो, इट्स फ्रॉम अ बैंक एंड इट्स ब्रांचेस. इस बैंक से अगर आपने निकाला 1 करोड़ से ऊपर, चाहे कितनी भी ब्रांचेस हो, मुंबई में ब्रांच हो, दिल्ली में ब्रांच हो, बट इस बैंक की ब्रांचेस से निकाला है तो 1 करोड़ की लिमिट में देखेंगे. वेरियस बैंक को क्लब नहीं करेंगे, पॉसिबल ही नहीं हो. सो एवरी पर्सन बीइंग अ बैंकिंग कंपनी टू विच बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट अप्लाइज, सारे बैंक्स आ गए, क्योंकि इंडिया में सारे बैंक्स, चाहे गवर्नमेंट बैंक्स हो या प्राइवेट बैंक्स हो, फॉरेन बैंक्स हो, इन सब पर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 लगता है. कोऑपरेटिव सोसाइटी कौन सी? Engaged in business of banking, यानी cooperative bank की बात कर रहे हैं, और post office.
who is responsible for paying any sum? Kisko? Anyone? Resident, non-resident, dono covered. Being the amount or aggregate of amounts, as the case may be, in cash, exceeding rupees 1 crore during the previous year to any person, herein after referred as recipient, from one or more accounts maintained by the recipient with it. Chahe ek account hai aapka ya 5 account hai, saving account, current account, jitna bhi aapne ki nikala cash, us sab ko hum club karenge. Shall, at the time of payment of such sum, deduct an amount equal to 2% of such sum as income tax. जो पहले सेक्शन लाए थे उसमें लिखा था 2% ऑफ सम एक्सीडिंग रुपीज 1 करोड़, यह हटा दिया. इसकी इंटरप्रिटेशन क्या हुई, पहले जो सेक्शन लाए थे उसके हिसाब से अगर आपने 1,10,00,000 निकाला तो 10,00,000 पे टीडीएस कटता था, बट नाउ पूरे 1.10 करोड़ पे टीडीएस कटेगा, पूरे 1.10 करोड़ पे टीडीएस कटेगा. सो एवरी पर्सन, कोई भी बैंक हो, इंडियन बैंक, फॉरेन बैंक इन इंडिया, प्राइवेट बैंक्स इन इंडिया, कोऑपरेटिव बैंक्स जो हैं, पोस्ट ऑफिस जो है, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग एनी सम, किसी को भी, रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट. Being an amount or the aggregate of amounts, as the case may be, in cash exceeding rupees 1 crore during the previous year, poore saal mein exceeding rupees 1 crore to any person referred as recipient from one or more accounts maintained by the recipient with it, shall at the time of payment of such sum deduct an amount equal to 2% of such sum as income tax. So, अगर आपने 1,20,00,000 निकाला है तो 1,20,00,000 पे 2% टीडीएस कटेगा, प्रोवाइडेड दैट. ये जबरदस्त अमेंडमेंट आई है, मैं आपको पहले समझा दूं फिर पढ़ लेते हैं. लॉ ये कहेगा, सपोज कैश विड्रॉ हो रहा है From 1/4/2021 to 31st March 2022, यानी प्रीवियस ईयर 22 में विड्रॉ हो रहा है कैश, तो इसका जो इमीडिएटली प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर है, यानी कि प्रीसीडिंग हो गया 1/4/20 से लेके 31st March 2021, ठीक है, दो प्रीवियस ईयर्स प्रीसीडिंग टू प्रीवियस ईयर्स. लोग कहेगा अब आप क्या करिए, इस साल में कैश विड्रॉ है तो प्रीसीडिंग टू प्रीवियस ईयर्स जिसकी ड्यू डेट एक्सपायर हो चुकी है इस साल में, यानी प्रीवियस ईयर 31st March 2020 एंड प्रीवियस ईयर 31st March 2019, इन दोनों की ड्यू डेट्स इस साल में एक्सपायर हो चुकी है. अगर इन दो साल की आपने रिटर्न नहीं फाइल की है, जो कैश विड्रॉ कर रहा है बंदा, उसने अगर इन दो साल की रिटर्न नहीं फाइल की है तो लिमिट जो 1 करोड़ की है उसे हम 20,00,000 कर देते हैं. यानी 20,00,000 से ऊपर कैश निकालेगा तो टीडीएस लगेगा आपको. So, 20,00,000 से ऊपर अगर आप कैश निकालते हैं, अगर आप नॉन फाइलर हैं, इन दो साल में, इन दो साल की आपने रिटर्न्स नहीं फाइल किए हैं,
रिटर्न नहीं फाइल किए। सो अगर इन दो साल की आपने रिटर्न नहीं फाइल की है तो 20 लाख से ऊपर कैश निकालेंगे पूरे साल में तो टीडीएस लग जाएगा। टीडीएस कैसे कटेगा? 20 लाख तक तो 2% है आपका, एक मिनट, 1 करोड़ तक 2% आपका, और 1 करोड़ से ऊपर निकालेंगे तो 5% टीडीएस कटेगा आपका। घबराइए मत, आपका टैक्स ही तो कट रहा है, एडजस्ट कर लीजिएगा अपने टैक्स पेपर में। बट हम, आप नॉन फाइलर ऑफ रिटर्न हैं, तो 20 लाख कैश कहां से है आपके पास, हम ये देखना चाहते हैं। तो अगर इन दो सालों में आपने रिटर्न नहीं फाइल, इन दो सालों की आपने रिटर्न नहीं फाइल किए, ड्यू डेट निकल चुका है इस साल में, तो बैंक जो है 20 लाख से ऊपर निकालेंगे आप कैश तो टीडीएस काटेगा। 1 करोड़ के लिमिट की जगह हो जाएगा 20 लाख, और 1 करोड़ तक टीडीएस काटेंगे 2%, और 1 करोड़ से ऊपर टीडीएस काटेंगे 5%। अब आप कहेंगे बैंक को कैसे पता चलेगा कि इन दो सालों में आप नॉन फाइलर है? ये यूटिलिटी सब बैंक्स को दे दी गई है, ये यूटिलिटी सब बैंक्स को दे दी गई है। आज सारे बैंक्स ने आपके पैन अपडेट कर दिए हैं, केवाईसी नॉर्म्स, और अगर पैन अपडेट नहीं किया, आपके अकाउंट्स बंद कर दिए, फ्रीज कर दिए, ऑपरेट ही नहीं कर सकते। तो आज हिंदुस्तान में जितने बैंक अकाउंट्स हैं, जितने कोऑपरेटिव बैंक में अकाउंट्स हैं, पोस्ट मास्टर के पास बैंक अकाउंट्स हैं, उन सब में पैन बहुत पहले उन्होंने मैंडेटरी कर दिया था। और अगर पैन नहीं दिया तो आपके अकाउंट्स ही फ्रीज हो गए, तो बैंक वाले ऑपरेटिंग करने दे रहे हैं आपको। ये तो 1.5 साल 2 साल से पहले हो रहा था। अब इन्होंने क्या किया है, एक यूटिलिटी बना दी है। आई थिंक टैक्स इंडिया फाइलिंग की उस पर जाएंगे वेबसाइट पर, आप पैन नंबर डालिए अपना, वह लिमिट आ जाएगी कि 194N में आपकी लिमिट 20 लाख है या 1 करोड़ है। तो बैंक को कुछ नहीं करना, आज बैंक ने यूटिलिटी को लिंक कर दिया अकाउंट से, और सब अकाउंट्स के ऊपर हेडिंग आ गई है कि ये बंदे को 194N कब ट्रिगर करेगा, 20 लाख या 1 करोड़। सो दिस हैज बीन प्रैक्टिकली डन 1.5 ईयर बैक। सो टैक्स इंडिया फाइलिंग की वेबसाइट पर भी यूटिलिटी है ये, और बैंक को भी यूटिलिटी दे दी गई है, जहां हर किसी के पैन नंबर के आगे लिखा हुआ है कि उसकी लिमिट क्या है 194N की, 20 लाख और 1 करोड़। और बैंक्स ने क्या किया है, सारे अकाउंट्स को इस यूटिलिटी से लिंक कर दिया है, और आपके बैंक अकाउंट में जो बैंक के पास कंप्यूटर है उसमें लिखा जाता है लिमिट क्या है आपकी कैश पे डबल वाली, 20 लाख या 1 करोड़। तो प्रैक्टिकली कोई दिक्कत नहीं आ रही, ये सेक्शन इंप्लीमेंट हो चुका है, प्रोवाइडेड डेट इन केस ऑफ अ रिसिपियंट हु हैज नॉट फाइल्ड, सॉरी इट्स थ्री इयर्स 31 मार्च 2019 एंड 31 मार्च 2018। फाइनेंस एक्ट 21 से एक नया सेक्शन है नॉन फाइलर का, उसमें 2 साल है। तो देखिए, मुझ जैसा बंदा भी कंफ्यूज हो जाता है, आप तो स्टूडेंट्स हैं, पहली बार लॉ पढ़ रहे हैं, तो कोई गलती नहीं आपकी। 3 साल है, सॉरी 3 साल। सो 2019-18 provided and in case of a recipient who has not filed the returns of income for all of the 3 assessment years, 3 saal ki nahi file ki aapne, relevant to the 3 previous years, kaun se 3 previous years, for which the time limit for filing the return of income under section 139(1) has expired kis saal mein, immediately preceding the previous year,
in which payment of sum is made to him. So, मैं दो साल से confused कर गया, इसलिए confused कर गया, हम दो क्लास बात करेंगे फाइनेंस एक्ट 2021 से एक सेक्शन आया है टीडीएस में नॉन फाइलर्स पर 206 AB, जहां नॉन फाइलर्स ऑफ रिटर्न्स, दो साल की रिटर्न अगर आपने नहीं फाइल की है तो ये सेक्शन लग जाता है और टीडीएस रेट्स बड़े हाई चले जाते हैं आपके. अभी प्लीज लिंक मत करें, अभी कुछ लिंक नहीं करेंगे, भूल जाइए इसे, भूल जाइए. जब 206 AB करेंगे तो 194N से लिंक कर लेंगे. 206 AB में लिखा है कि 194N पर ये सेक्शन नहीं लगता है, 194N पर ये सेक्शन नहीं लगता है. तो मैं तो बता रहा हूं कि मैं दो साल से कंफ्यूज हो गया था, बिकॉज 206 AB आया फाइनेंस एक्ट 2021 से, जहां नॉन फाइलिंग के लिए टीडीएस का लॉ चेंज हो गया है, नॉन फाइलर्स के लिए, वहां नॉन फाइलर्स फॉर 2 ईयर्स है. सो लॉ कह रहा है कि 3 previous years इमीडिएटली प्रीसीडिंग, जिस साल में कैश विड्रॉ किया आपने, उसके 3 preceding previous years जिसकी ड्यू डेट निकल चुकी है, कब, इन द इमीडिएटली प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर. सो इन तीनों की ड्यू डेट्स यहां निकल चुकी है और इन तीनों साल की आपने रिटर्न नहीं फाइल की है, इन तीनों साल की रिटर्न आपने नहीं फाइल की है, उस केस में 1 करोड़ की जगह लिमिट हो जाएगा आपकी 20 लाख और टीडीएस होगा अप टू 1 करोड़ 2%, अब 1 करोड़ 5%. प्रोवाइडेड एंड इन केस ऑफ अ रेसिपिएंट who has not filed the return of income for all of the 3 assessment years relevant to 3 previous years. कौन से previous years थी? For which the time limit of filing of return of income under subsection 1 of 139 has expired immediately preceding the previous year in which the payment of such sum is made to him. The provisions of this section shall apply with modifications as under. So, section की language इतनी बढ़िया नहीं है, but finance minister ने ऐसे ही समझाया था कि आपने जिस साल कैश पे ड्रॉ किया उसके immediately preceding previous year में जो प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर्स हैं जिनकी ड्यू डेट एक्सपायर हो चुकी है 1 की, उन 3 previous years में आप नॉन फाइलर थे, रिटर्न नहीं फाइल की बिल्कुल भी, फिर ये सेक्शन हम इस तरह से लगाएंगे. दोबारा से पढ़ लीजिए. प्रोवाइडेड डेट इन केस ऑफ अ रिसिपियंट हु हैज नॉट फाइल द रिटर्न ऑफ इनकम फॉर ऑल द 3 assessment years रेलिवेंट टू द 3 previous years, ये 3 साल, for which the time limit of filing a return of income under subsection 1 of 139 has expired immediately preceding the previous year in which the payment of sum is made to him. Aur dekhiye previous year 21 ki to due date expire nahi hui abhi tak, previous year 21 ki to due date return ki hogi July 21, October 21, November 21, एक्सपायर नहीं हुई है. तो इस तरह से भी पढ़ सकते हैं आप. हु हैज नॉट फाइल द रिटर्न ऑफ इनकम फॉर ऑल द 3 assessment years रेलेवेंट टू द 3 previous years. सो 3 previous years 31st March 1819-20 फॉर विच द टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग द रिटर्न ऑफ इनकम अंडर सबसेक्शन 1 इज एक्सपायर्ड इमीडिएटली प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर इन विच द पेमेंट इज मेड टू हिम. सो पेमेंट आपको इस साल में हुई, इसके इमीडिएटली 3 preceding previous ले लीजिए जिसकी ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न 139(1) में एक्सपायर हो गई है. दैट्स अ बेटर इंटरप्रिटेशन. सो इन तीनों की ड्यू डेट एक्सपायर हो गई है, इसी तरह से पढ़ते हैं.
In case of a recipient who has not filed the return of income for all the three assessment years relevant to the three previous years, previously 18, 19, 20, for which the time note for filing the return of income under 121 has expired, or he conscious saal hai, immediately preceding the previous year in which the payment of sum is made to him. So 21 nahi lenge hum because 21 ki due date bhi expire nahi hui hai. Wo to 31st July 21, 31st October 21, 30th November 21 hogi. So kehne ka matlab hai ye 3 saal dekhenge 18, 19, 20. The provisions of this section will apply with the modification that the sum shall be the amount or aggregate amounts as the case may be in cash exceeding 20 lakhs during the previous year. So, 1 crore ki jagah 20 lakh lenge and deduction kaise hogi? An amount equal to 2% of a sum where the amount or aggregate amounts as the case may be being paid in cash exceeds 20 lakh during the previous year but does not exceed rupees 1 crore. So, 20 lakhs se upar hai, 1 crore se tak hai, to 2% of the cash withdrawn is the TDS. An amount equal to 5% of the amount of the sum where the amount or aggregate of amounts as the case may be being paid in cash exceed rupees 1 crore during the previous year. Aur 1 crore se upar withdrawal hai, to us par hoga 5%. आइएगा पेज 53, एनालिसिस ऑफ सेक्शन 194N. द प्रोविजंस ऑफ 194N शैल अप्लाई वेयर कैश विड्रॉवल्स एक्सीड 1 करोड़ फ्रॉम द बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, पोस्ट ऑफिस ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर. द सेक्शन अप्लाइज टू कैश विड्रॉवल्स मेड बाय रेजिडेंट एज वेल एज नॉन रेजिडेंट. द प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन शैल अप्लाई इफ एग्रीगेट कैश विड्रॉवल फ्रॉम वन और मोर अकाउंट्स मेंटेन विद अ बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, पोस्ट ऑफिस एक्सीड्स 1 crore इन द प्रीवियस ईयर. अकॉर्डिंगली इफ मिस्टर एक्स विड्रॉ 60 lakh फ्रॉम हिज सेविंग अकाउंट ऑन 15/7/21, 50 lakh फ्रॉम हिज करंट अकाउंट इन ऑन 28/21 सेम बैंक विद बैंक ऑफ इंडिया, देन बैंक ऑफ इंडिया will deduct TDS of 220 from payment of 50 lakh. हम ये मान रहे हैं नॉन फाइलर वाला केस नहीं है ये, यानी रिटर्न इन्हें फाइल की है फॉर एनी ऑफ दोज थ्री ईयर्स. तो 220 कैसे निकाला? 50 और 60, 1/10, 1/10 पे 2% इस 2,20,000. द टाइम लिमिट, द लिमिट ऑफ 1 crore has to be seen for cash withdrawals made from all the branches of a bank, cooperative bank, post office. If a company has current accounts with SBI, page 54, Mumbai branch, Delhi branch, Kolkata branch, and withdraws cash of 50 lakh from each branch, तो टोटल कैश विड्रॉवल 1 crore 50 lakh हो गया. 1 crore 50 lakh पे 2% 3 lakh इज द TDS. हाउएवर, देखिए ये सिर्फ TDS लगा रहे हैं ताकि हम ट्रेस कर सके. तो आपकी TDS रिटर्न में होगा कि इतना TDS आया 194N में, और अगर 2% वाला आया है यानी हमें पता चलेगा कितना कैश विड्रॉ हुआ है. हाउएवर, कैश विड्रॉवल फ्रॉम टू डिफरेंट banks, cooperative banks, शैल नॉट बी एग्रीगेटेड. Therefore, इफ अ कंपनी हैज एन अकाउंट विद SBI, एन अकाउंट विद PNB, एंड कंपनी विद्रॉ 60 lakh each फ्रॉम SBI एंड PNB, then TDS शैल नॉट बी डिडक्टेड. हम ये एज्यूम करें नॉन फाइलिंग वाला केस नहीं है ये. अच्छा, मैंने बताया था कि अगर मैं EY को 20 लाख की फीस पे करता हूं, 2 lakh TDS काट लेता हूं, 18 लाख पे कर देता हूं, तो EY की इनकम कितनी होगी? 18 प्लस 2, 20 लाख. तो जो TDS डिडक्ट हो गया वो
डिडक्टिव इनकम मानी जाती है। ये बात 198 में लिखी है, पढ़ेंगे हम। सो 198 में लिखा है कि टीडीएस डिडक्टेड इज इनकम ऑफ द डिडक्टी। अब मैंने 2 करोड़ बैंक से विड्रॉ किया, 4 लाख मेरा टीडीएस कट जाएगा, बैंक मुझसे मेरे अकाउंट में से 4 लाख टीडीएस रिकवर कर लेगा, तो क्या ये 4 लाख मेरी इनकम बन जाएगी? नो। 198 सेक्शन चेंज किया गया, उसमें लिखा गया कि जो 194N में टीडीएस कटता है वो आपकी इनकम नहीं मानी जाएगी। पॉइंट 5 देखिएगा, प्रोविजो इज एडेड इन सेक्शन 198 टू प्रोवाइड ए टीडीएस डिडक्टेड अंडर 194N विल नॉट बी कंसिडर्ड एज इनकम ऑफ द असेसी। अच्छा, एक लॉ और है, सेक्शन 199, टीडीएस का क्रेडिट आपको उस साल में मिलता है जिस साल में इनकम आप ऑफर करते टैक्सेशन के लिए, यानी ईवाई को इस 2 लाख का क्रेडिट उस साल में मिलेगा जिस साल में ईवाई 20 लाख इनकम ऑफर करेगा टैक्स के लिए। बट यहां तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो मैं कैश निकाल रहा हूं मेरी इनकम थोड़ी है, एंड देयरफॉर इनकम टैक्स रूल्स चेंज किए गए। एज पर लॉ द क्रेडिट ऑफ टीडीएस इज गिवन इन द ईयर इन विच इनकम इज ऑफर्ड फॉर टैक्सेशन। यहां तो इनकम का सवाल ही नहीं है। इनकम टैक्स रूल्स हैव बीन अमेंडेड टू प्रोवाइड दैट क्रेडिट ऑफ टीडीएस शैल बी गिवन टू द पर्सन इन हूज नेम टीडीएस अंडर 194 हैज बीन डिडक्टेड इन रेस्पेक्ट टू द फैक्ट कि कॉरेस्पॉन्डिंग इनकम हैज बीन ऑफर्ड फॉर टैक्सेशन और नॉट। एक सेक्शन 206AA पढ़ेंगे आप, जहां लिखा है कि अगर आप पे नहीं देते तो टैक्स डिडक्शन 20% पर हो। यहां पर भी यही होगा, अगर पे नहीं है आपका तो टैक्स डिडक्शन विल बी एट 20%। फर्स्ट प्रोविजो टू 194NJY, फर्स्ट प्रोविजो अप्लाइज इफ कैश इज विदड्रॉन बाय अ पर्सन कॉल्ड रिसिपिएंट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 एंड इफ रिसिपिएंट हैज नॉट फाइल द रिटर्न्स फॉर ऑल द 3 previous years। कौन से 3 previous years? 31 मार्च 2020, 31 मार्च 2019, 31 मार्च 2018 एंड ड्यू डेट्स फॉर फाइलिंग द रिटर्न अंडर 139 वाज एक्सपायर्ड फॉर द सेट प्रीवियस ईयर्स बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द प्रीवियस ईयर इन विच द पेमेंट इज मेड कैश इज विथड्रॉन। दिस इज अ बेटर इंटरप्रिटेशन। इन सिंपल वर्ड्स, प्रोविजो टू 194N अप्लाइज इफ कैश इज विथड्रॉन इन प्रीवियस ईयर 22 बाय द रिसिपिएंट एंड द रिसिपिएंट हैज नॉट फाइल्ड द रिटर्न ऑफ इनकम फॉर ऑल द 3 previous years एंडिंग ऑन 31 मार्च 2019 एंड 2018। फर्स्ट प्रोविजो शैल नॉट अप्लाई, इफ रिसीपेंट एज फाइल द रिटर्न फॉर एनी वन और मोर प्रीवियस ईयर्स 31 मार्च 2020, 31 मार्च 2019, 2018। अगर रिटर्न आपने लेट भी फाइल की थी तो फाइलिंग मानेंगे, ये तब लगेगी जब फाइल ही नहीं किया आपने। ड्यू डेट के बाद भी फाइल कर दी थी कोई दिक्कत नहीं है, प्रोविजो नहीं लगेगी आप। सो अगर प्रीवियस ईयर 18, 19, 20 की रिटर्न लेट फाइल हुई थी, 1394 में फाइल हुई थी, तब भी प्रोविजो नहीं लगेगी। प्रोविजो तब लगती है जब बिल्कुल फाइलिंग नहीं हुई है, ड्यू डेट भी फाइलिंग नहीं हुई और लेट भी फाइल नहीं हुई। इन केस ऑफ रिसीपिएंट रेफर्ड इन फर्स्ट प्रोविजो टू 194, टीडीएस विल बी एज फॉलोज, अप टू 20 लाख निल। अगर 20 लाख से ऊपर विड्रॉ करते अप टू 1 करोड़, 2% ऑफ द कैश विड्रॉ। अगर 1 करोड़ से ऊपर विड्रॉ करते हैं 2 लाख कैसे निकला, 2% ऑफ 1 करोड़ प्लस 5% ऑफ कैश विड्रॉन इन एक्सेस ऑफ 1 करोड़।
X withdraws the following sums in cash in financial year 21-22. देखिएगा, 넥스트 페이지 पे लिखा है कि उसने रिटर्न्स नहीं फाइल की है फॉर 17-18 प्रीवियस ईयर, 18-19 एंड 19-20. एक 8-21 को कैश निकाला, नो टीडीएस, 20 लाख से ऊपर नहीं जा रहा. 15-9-21 को निकाला अपने 35 लाख, नॉन फाइटर है, टोटल 45 लाख हो गया. तो अब 45 लाख पर 2% टीडीएस होगा. बैंक इसी दिन आपके अकाउंट को डेबिट कर देगा फिर टीडीएस. फिर 25 लाख निकाला आपने, 60-70, सो 25 लाख पे 2% कितना हो गया, 70 ना. फिर निकाला 45, 30 लाख पे 2%, 15 लाख पर 5%. फिर निकाला 30 लाख, 30 लाख पे 5%. एमसीक्यू बना देंगे इसका, ये जो मैं क्वेश्चन कर रहा हूं इसी को एमसीक्यू बना के दे देंगे. सो 1-8-21 को 10 लाख निकाला, नो टीडीएस. 15-9-21 को 35 लाख निकाला, 45 लाख पर 2% टीडीएस. 17-11 को 25 निकाला, टोटल 70 लाख हो गया, 2% 25 लाख पर. 28-22 को 45 निकाला, 30 लाख पे 2%, 15 लाख पे 5%. 16-3-22 को 30 लाख निकाला, 30 लाख पे 5%. इफ मिस्टर एक्स हैड फर्निश्ड हिज रिटर्न्स फॉर एनी ऑफ द थ्री प्रीवियस इयर्स एंड हैड इन द फर्स्ट प्रोविजन नॉट बीन एप्लीकेबल टू हिम, फिर क्या होता, नो टीडीएस, नो टीडीएस, नो टीडीएस. यहां कट 115 लाख पे 2%, तो 28-22 को निकाला और फिर 30 लाख पर 2% जो आपने इसने निकाला. क्लियर है? ओके. पेज 53, सॉरी पेज 52, पेज 52. अब जेन्युइन केस, जेन्युइन क्या होते हैं गवर्नमेंट डिफाइन करेगी. जेन्युइन क्या होते हैं गवर्नमेंट डिफाइन करेगी. Provided further that the central government may specify in consultation with the RBI by notification in the official gazette the recipient in whose case first provision shall not apply or apply as reduced rates if such recipient satisfies the conditions given in the notifications. Notification issue ho chuki hai, karenge aaj. To yahan par ye keh rahe ki central government आरबीआई से कंसल्ट करके नोटिफिकेशन निकालेगी कि किन केस में रिसिपिएंट पर यह सेक्शन नहीं लगना चाहिए या लगना चाहिए तो लोअर रेट पर लगना चाहिए और उस नोटिफिकेशन में कंडीशंस भी मेंशन होंगी. प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस सेक्शन शैल अप्लाई इफ पेमेंट इज मेड टू द गवर्नमेंट. तो अगर गवर्नमेंट कैश निकाल रही है then this provision will not be applicable either central government or state government. Agar wo log cash nikal rahe hain then this provision is not applicable. Kya hota hai लेट्स से एक्सिस बैंक की ब्रांच है, लेट्स से झंडे वाला जो मेरा केस है,
हमारा ऑफिस झंडेवालान में है, एक्सिस बैंक की ब्रांच झंडेवालान में। मुझे 2 करोड़ रुपए कैश निकालना है। एक मिनट, सॉरी। सो एक्सिस बैंक की ब्रांच झंडेवालान है। नॉर्मली बैंक जो है नॉर्मली 50 लाख कैश मेंटेन करते हैं इन हैंड। तो छोटी ब्रांचेस 50 लाख, बड़ी ब्रांचेस 1 करोड़, इतना रफली कैश मेंटेन करती है। अब क्या हुआ, लेट्स से 2 जनवरी 2022 को 10 लाख का कैश विड्रॉ करने 20 पर्सन आ गए, सुबह 10 बजे आ गए। सो मॉर्निंग में 10 बजे 10 लाख का कैश विड्रॉ करने 20 बंदे आ गए, यानी बैंक को 2 करोड़ की रिक्वायरमेंट हो गई। अच्छा, अब ये कस्टमर शो मचाना शुरू कर देते हैं कि हमें तो चाहिए कैश, हम क्यों वेट करें। तो एक्सिस बैंक क्या करता है, फटाफट जो नियरेस्ट बैंक होता है इनका, एसबीआई वगैरह, वहां से 1.90 करोड़ की बोरिंग कर लेता है, कैश ले लेता है इनसे। तो अब एक्सिस बैंक को एसबीआई ने 1.90 का कैश दे दिया, और एसबीआई में मान लीजिए एक्सिस बैंक अकाउंट है, तो क्या ये सेक्शन लग जाएगा? नहीं लगेगा। एनी बैंकिंग कंपनी। सो अगर पेमेंट की जा रही किसको, बैंकिंग कंपनी को, कॉपरेटिव सोसाइटी को, एंगेज्ड इन कैरिंग ऑन द बिजनेस ऑफ बैंकिंग और पोस्ट ऑफिस। तो अगर बैंकिंग कंपनी या कॉपरेटिव बैंक या पोस्ट ऑफिस, सो लेट मी फ्रेम अ गुड एग्जांपल, इज नॉट अ वेरी क्लियर एग्जांपल, इज नॉट अ क्लियर एग्जांपल, सो लेट मी फ्रेम द एग्जांपल फ्रेश। सो एक्सिस बैंक के पास नॉर्मली कैश इन हैंड होता है 50 लाख। अच्छा, एक्सिस बैंक क्या करता है, अपना कुछ पैसा एसबीआई, पीएनबी, इसमें भी जमा रखता है। सो नॉर्मली बैंक्स आपस में भी होल्ड करते हैं पैसा। सो एक्सिस बैंक स्टेट बैंक में अकाउंट मेंटेन करता है, पीएनबी में अकाउंट मेंटेन करता है, कैश इन 50 लाख है। 2/1/22 को 10 लाख विड्रॉ करने के लिए 20 कस्टमर आ गए, यानी कि 2 करोड़ कैश चाहिए इनको। तो एक्सिस बैंक क्या करता है, अपने इस अकाउंट से 1.5 करोड़ विड्रॉ कर लेता है। अब एग्जांपल से आ रहा है। तो सिंस एसबीआई अकाउंट से पैसा विड्रॉ किया एक्सिस बैंक ने, ये एक्सेप्शन में आ जाएंगे, सो ये सेक्शन नहीं लगेगा अगर पेमेंट की जा रही है गवर्नमेंट को। तो अगर गवर्नमेंट कैश विड्रॉ कर रही है बैंक से, तो ये सेक्शन नहीं लगेगा। नंबर 2, अगर कैश कौन विड्रॉ कर रहा है, खुद बैंकिंग कंपनी विड्रॉ कर रही है। जैसे एक्सिस बैंक ने अपने एसबीआई अकाउंट से कैश विड्रॉ कर लिया ताकि इन कस्टमर्स को पेमेंट कर सके। तो नॉर्मली सभी बैंक्स दूसरे बैंक में कैश डिपॉजिट अपने अकाउंट रखते हैं, ताकि इस तरह की सिचुएशन हो तो यहां से इमीडिएटली कैश निकाल के कस्टमर को दे सकते हैं। यहां ये सेक्शन नहीं लगेगा। तो जहां कैश पे किया जा रहा है बाय अ बैंक टू अ बैंक। सो एसबीआई में एक्सिस बैंक अकाउंट है, एक्सिस बैंक ने अपने इस अकाउंट से 1.5 करोड़ विड्रॉ कर लिया ताकि कस्टमर्स को पे कर सके, ये सेक्शन नहीं लगेगा। बिकॉज बैंक सारे कंट्रोल्ड हैं बाय द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, बाय द गवर्नमेंट। नंबर 3, एनी बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट ऑफ अ बैंकिंग कंपनी, कॉपरेटिव सोसाइटी एंगेज इन
business of banking in accordance with the guidelines issued in this regard by the RBI. मैंने बताया था जब 216 एसटी कर रहे थे आप, तो मैंने बताया था बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स होते हैं बैंक के, ये रिटायर्ड बैंक ऑफिशियल्स होते हैं, ये कस्टमर्स के घर से जाके कैश इकट्ठा करते हैं और कस्टमर्स के मतलब कैश निकालते हैं तो उनके घर पे देके आते हैं। अब लॉ कह रहा है कि सपोज 100 पर्संस ने कैश निकाला, ये बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट इनके घर पर देके आएगा, तो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट को बैंक ने कैश दिया, लेट्स से 5 करोड़, और सब ने मान लीजिए 20-20 लाख से कम निकाला, ये मान लीजिए, तो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट को जो पैसा दिया जा रहा है इस पे सेक्शन नहीं लगेगा, क्लैरिफाई कर रहे। सो पेमेंट की जा रही किसको? बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट ऑफ अ बैंकिंग कंपनी, कॉपरेटिव सोसाइटी, कॉपरेटिव बैंक और पोस्ट, सॉरी पोस्ट मास्टर होता ही नहीं यहां पर, फोर एनी वाइट लेबल ऑटोमेटेड टेलर मशीन ऑपरेटर ऑफ अ बैंकिंग कंपनी और कॉपरेटिव बैंक, ये मैं बता चुका आपको, जो ATMs होते हैं इसमें कैश फिल कौन करता है? वाइट लेबल ऑटोमेटेड टेलर मशीन ऑपरेटर। सो ये एजेंसीज होती हैं, वाइट लेबल्ड ऑटोमेटेड टेलर मशीन ऑपरेटर। तो जैसे HDFC क्या करता है, इनके अकाउंट में रोज 2 करोड़ रुपए जमा कर देता है और कहता है 2 करोड़ विदड्रॉ करिए और जाके सारे ATMs पुल कराइए। अगर फोर्थ एक्सेप्शन नहीं लाते तो क्या होता, जैसे ही ऑपरेटर अपने अकाउंट से पैसा विदड्रॉ करता इस पर 194N लग जाता, एंड therefore एनी वाइट लेबल ऑटोमेटेड टेलर मशीन ऑपरेटर ऑफ अ बैंकिंग कंपनी और कॉपरेटिव बैंक इन अकॉर्डेंस विद ऑथराइजेशन विद RBI, उस पर ये सेक्शन नहीं लगेगा। तो ये सेक्शन नहीं लगाया जाता किस किस पर? वन अगर गवर्नमेंट बैंक अकाउंट से कैश निकाल रही है, कितना भी कैश निकालेगी, देयर विल बी नो 194N। नंबर टू, एक्सिस बैंक ने अपना पैसा पार्क किया हुआ है, एक अकाउंट खोला हुआ है स्टेट बैंक में, पंजाब नेशनल बैंक में, ताकि इमरजेंसी पड़े तो कैश वहां से विड्रॉ कर सकते हैं। तो अगर बैंक या कॉपरेटिव बैंक विड्रॉ करता है दूसरे बैंक से अपना पैसा, तो ये सेक्शन नहीं लगेगा। तीसरा, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट जो कैश कलेक्शन करके घरों से लेके आते हैं, बैंक में जमा करवाते हैं कस्टमर की, कस्टमर का पैसा ले जाकर क्या नाम कस्टमर्स को देते हैं। अब एक बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट है, 100 अकाउंट से पैसा निकल रहा है, कस्टमर्स को देखे आ रहा है 1 करोड़ से ऊपर है, तो ये सेक्शन लग सकता था। एंड देयरफॉर से दे से कि अगर बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट को पैसा निकाल के दिया जा रहा है अकाउंट से, तो ये सेक्शन नहीं लगेगा, एज्यूमिंग पर कस्टमर लिमिट 20 लाख 1 करोड़ से ऊपर नहीं है। और वाइट लेबल ऑटोमेटेड टेलर मशीन ऑपरेटर ऑफ अ बैंकिंग कंपनी और कॉपरेटिव बैंक, ये वो एजेंसीज होती हैं जिनको ATM में कैश फिल करने की अथॉरिटी होती है। तो WLATMO, इनका अकाउंट खोला जाता है, बैंक उसमें डेली 2 करोड़ रुपए जमा कर देता है और इनसे कहता है 2 करोड़ निकालिए, ATMs फिल कराइए,
तो ये व्हाइट लेबल ऑटोमेटेड टेलर मशीन ऑपरेटर पैसा निकालेगा अपने अकाउंट से टू रीफिल द एटीएम मशीन्स, देन दिस सेक्शन विल नॉट बी एप्लीकेबल। प्रोवाइडेड ऑल्सो सेंट्रल गवर्नमेंट में स्पेसिफाई इन कंसल्टेशन विद आरबीआई, वही बात कर रहे हैं। सो यहां पर भी कह रहे हैं कि हम बताएंगे कि ये सेक्शन कब नहीं लगेगा, रिड्यूस रेट पे लगेगा, अगर रिसीपिएंट सेटिस्फाइज वेरियस कंडीशंस और ये नोटिफिकेशंस इशू हो चुके, ये नोटिफिकेशन इशू हो चुके। ये जो व्हाइट लेबर ऑटोमेटेड टेलर मशीन ऑपरेटर होता है जिसको एटीएम फिल करने का कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, ये अपने अकाउंट से रोज 2 करोड़ रुपए निकालता है, तो यहां लिखा हुआ है ऊपर कि सेक्शन अट्रैक्ट नहीं होगा। अब क्या होता है कि पूरी इंडिया में इसके एजेंट्स होते हैं, कैश रिप्लेनिशमेंट एजेंसीज होती हैं, फ्रेंचाइज एजेंट्स, जैसे हमारी क्लास की फ्रेंचाइजीज होती हैं, वैसे ही WLATMO के पूरी इंडिया में फ्रेंचाइज एजेंट्स होते हैं, कैश रिप्लेनिशमेंट एजेंसीज होती है जो उसके बिहाफ पर एटीएम की फिलिंग करती हैं। तो नोटिफिकेशन कहती है कि इन एजेंट्स पर, इस सीआरए पर अगर ये कैश विड्रॉ करते हैं, देन ऑल्सो दिस सेक्शन विल नॉट बी एप्लीकेबल। द सेंट्रल गवर्नमेंट पेज 52, आफ्टर कंसल्टेशन विद द आरबीआई हियरबाय स्पेसिफाइज दैट प्रोविजंस ऑफ 194N शैल नॉट अप्लाई टू कैश विड्रॉन बाय, ऊपर लिखा था मेन सेक्शन में व्हाइट लेबल ऑटोमेटेड टेलर मशीन ऑपरेटर, अब उसके एजेंट्स, कैश रिप्लेनिशमेंट एजेंसीज एंड फ्रेंचाइज एजेंट्स ऑफ व्हाइट लेबल ऑटोमेटेड टेलर मशीन ऑपरेटर मेंटेनिंग अ सेपरेट बैंक अकाउंट फ्रॉम विच विड्रॉवल इज मेड ओनली फॉर द पर्पस ऑफ रिप्लेनिशिंग कैश इन द ऑटोमेटेड टेलर मशीन ऑपरेटेड बाय सच WLMTO, and this white label operator has furnished a certificate every month to the bank, certifying that the bank account of the CRA and the franchise agents of the operator have been examined, and amounts being withdrawn from their bank accounts have been duly reconciled with the amount cash deposited in the various ATMs. Second notification. क्या होता है, मंडी होती है, मंडी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की, यहां 1,000 फार्मर्स रोज आते हैं और अपना जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है बेचते हैं दैट से ग्रोफर्स को, रिलायंस वालों को, रिलायंस फ्रेश, एक्सपोर्टर्स को और अदर्स को। अब होता क्या है, यहां पर एक एजेंट्स होते हैं जो कि फार्मर से माल लेते हैं और इनको दे देते हैं, और ये हाथ के हाथ इस एजेंट को बैंक ट्रांसफर कर देते हैं पैसे का। अब ये एजेंट जो है कैश विड्रॉ करके फार्मर्स को बांटेगा, बिकॉज फार्मर्स तो कैश इंसिस्ट करते हैं, उनको तो डेली अपनी नीड के लिए चाहिए। तो अब ये जो एजेंट है अपने बैंक अकाउंट्स में इन सब से कैश चेक रिसीव करता है और फिर कैश निकाल के बांटता है फार्मर्स को, तो इस एजेंट पर ये सेक्शन नहीं लगेगा। सेकेंड नोटिफिकेशन देखिएगा, द सेंट्रल गवर्नमेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद द आरबीआई हियरबाय स्पेसिफाइज दैट प्रोविजंस ऑफ
194N shall not apply to cash withdrawn by commission agents. तो ये एजेंट्स फार्मर से कुछ कमीशन लेते हैं और ट्रेडर्स, ये कौन से कमीशन एजेंट्स ट्रेडर्स हैं, ये वाले ऑपरेटिंग अंडर द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी एंड रजिस्टर्ड एनी अंडर एनी लॉ रिलेटिंग टू एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट ऑफ द कंसर्न स्टेट. और ये एपीएमसी जो है दैट शुड बी रजिस्टर्ड अंडर द लॉ ऑफ द स्टेट. हु हैज इंटीमेटेड द बैंकिंग कंपनी और कोऑपरेटिव बैंक और पोस्ट ऑफिस अकाउंट नंबर थ्रू विच ही विशेज टू विदड्रॉ द कैश इन एक्सेस ऑफ 1 crore इन द प्रीवियस ईयर अलॉन्ग विद हिज पैन नंबर एंड द डिटेल्स ऑफ द प्रीवियस ईयर एंड हैज सर्टिफाइड टू द बैंकिंग कंपनी और कोऑपरेटिव सोसाइटी पोस्ट ऑफिस डेट withdrawal of cash from the account in excess of 1 crore during the previous year is for the purpose of making payments to the farmers on account of purchase of agricultural produce and banking company cooperative bank or post office has ensured that pen quoted is correct and commission agent or trader is registered with APMC. So even commission agent and trader should be registered with APMC. And for this purpose necessary evidences have been collected by the bank. Next exception है जो authorized dealers होते हैं, money changers होते हैं, foreigners आते हैं इंडिया में, foreign tourists आते हैं, NR आते हैं, अपने साथ dollars, pounds लेके आते हैं और ये लोग इनको कैश देते हैं इन पाउंड्स और डॉलर्स की जगह. इसके लिए इनको बैंक से विड्रॉ करना पड़ता है एंड इनके लिए एक्सेप्शन है. ये जो ऑथराइज डीलर्स है, मनी चेंजर्स है, कैश विड्रॉ कर रहे हैं किस लिए, टू परचेज द फॉरेन करेंसी फ्रॉम द फॉरेन टूरिस्ट नॉन रेजिडेंट्स, तो उस कैश विड्रॉबल पर सेक्शन 194N नहीं लगेगा. इसी तरह से बाहर से लेबरर्स आते हैं इंडिया में, दुबई में लेबरर्स काम कर रहे हैं इंडियन, वापस आते हैं, उन्हें घर पैसा देना होता है अपना, तो उसे कन्वर्ट कराते हैं इंडियन रुपी में, दुबई से लेके आए वहां की करेंसी, उसे इंडियन रुपी में कन्वर्ट कराया, तो जो बैंक है, जो मनी चेंजर है, ऑथराइज डीलर है, अपने बैंक से कैश विड्रॉ करेगा टू पे दिस मनी, ये सारा एक्सेप्शन में आ गया. द सेंट्रल गवर्नमेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद द आरबीआई, पेज 53, एक्सेप्शन 3, नोटिफिकेशन 3, द सेंट्रल गवर्नमेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद द आरबीआई हैव स्पेसिफाइड दैट 194N शैल नॉट अप्लाई टू कैश विदड्रॉन बाय द ऑथराइज डीलर, उसके फ्रेंचाइज एजेंट्स एंड सब एजेंट्स, मनी चेंजर्स लाइसेंस बाय द आरबीआई एंड देयर फ्रेंचाइज एजेंट्स, जो कि सेपरेट बैंक अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं, जिससे कैश विदड्रॉ हो रहा है ओनली फॉर द पर्पज ऑफ परचेज ऑफ फॉरन करेंसी फ्रॉम द फॉरन टूरिस्ट और नॉन रेजिडेंट्स विजिटिंग इंडिया और फ्रॉम रेजिडेंट इंडियंस ऑन देयर रिटर्न टू इंडिया इन कैश एज पर डायरेक्शन गाइडेंस इशूड बाय द आरबीआई. नंबर टू, नंबर टू क्या होता है, दुबई में इंडियन लेबरर काम कर रहा है, ठीक है, दुबई में उसे दिरहम मिलते हैं, उसके पेरेंट्स रहते हैं किसी विलेज इन इंडिया में, उनको भेजना चाहता है, तो ये अपना पैसा भेजेगा इस मनी चेंजर को, ऑथराइज डीलर को, और ये कैश विड्रॉ करके इसके पेरेंट्स को कैश पे कर देंगे. तो जो कैश विड्रॉ होगा इस पर भी 194N नहीं लगेगा. तो 194N नहीं लगेगा
अगर ऑथराइज्ड डीलर उसके फ्रेंचाइज एजेंट्स, मनी चेंजर्स उनके फ्रेंचाइज एजेंट्स सेपरेट बैंक अकाउंट रखते हैं और उसे कैश विड्रॉ करते हैं ओनली फॉर द पर्पज ऑफ पैरा है फॉरेन करेंसी परचेज कर रहे हैं फॉरेन टूरिस्ट से, नॉन रेजिडेंट से, या फिर जो रेजिडेंट्स इंडिया से बाहर घूमने गए थे वापस आते हैं, करेंसी बच जाती है, इनको बेच देते हैं और कैश ले लेते हैं। एंड नंबर टू, डिसबर्समेंट ऑफ इनवर्ड रेमिटेंसेस, जो दुबई का लेबरर अपने पेरेंट्स को पैसा भेज रहा है, डिसबर्समेंट ऑफ इनवर्ड रेमिटेंस टू रिसिपिएंट बेनिफिशरीज इन इंडिया, गांव में जो पापा रहते हैं उसके फादर रहते हैं, इन कैश अंडर द मनी ट्रांसफर सर्विस स्कीम ऑफ द आरबीआई, एंड अ सर्टिफिकेट इज फर्निश्ड बाय द ऑथराइज्ड डीलर एंड देयर फ्रेंचाइज एजेंट्स, मनी चेंजर्स एंड देयर फ्रेंचाइज एजेंट्स टू द बैंक, दैट विड्रॉवल इज ओनली फॉर द पर्पज स्पेसिफाइड अबव एंड डायरेक्शंस गाइडलाइंस इशूड बाय द आरबीआई हैव बीन फॉलोड। तो ये सेक्शन में से आपको डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा इस बार। तो प्रीवियस ईयर 22 है तो 31 मार्च 2019-18 अगर इसकी रिटर्न फाइल ही नहीं हुई है, लेट भी फाइल नहीं हुई, ड्यू डेट भी फाइल नहीं हुई, तो प्रोविजन लग जाती है 20 लाख की लिमिट ऑपरेट कर जाती है। कुछ और सेक्शंस करते हैं, कुछ नए सेक्शंस नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा आपको। पेज 31 पर आइएगा, पेज 31 रेंट, आपको पता है कि रेंट पर टीडीएस कटता है 10%। अगर रेंट एक्सीड्स ₹2,40,000 और अगर बिल्डिंग के साथ आप फर्नीचर फिटिंग्स भी दे रहे हैं तो फर्नीचर फिटिंग्स के रेंट पर भी 10% टीडीएस रेट है। बट अगर आप प्लांट मशीनरी भी दे रहे हैं, प्लांट मशीनरी अलोन दे रहे हैं या बिल्डिंग के साथ दे रहे हैं, तो प्लांट मशीनरी अगर हायर हो रही है तो उसके रेंट पर टीडीएस है 2%, एनी पर्सन। पेज 31, नॉट बींग एन इंडिविजुअल एचयूएफ हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग टू अ रेजिडेंट एनी इनकम बाय वे ऑफ रेंट, सो रेंट बिल्डिंग का भी आ जाएगा, रेंट फर्नीचर फिटिंग का भी आ जाएगा, रेंट प्लान मशीनरी का भी आ जाएगा, शेल एट द टाइम ऑफ क्रेडिट ऑफ सच इनकम टू द अकाउंट ऑफ द पे और पेमेंट इन कैश विच एवर इज अर्लियर डिडक्ट इनकम टैक्स एट द रेट ऑफ 2% फॉर द यूज ऑफ मशीनरी प्लांट और इक्विपमेंट। तो अगर प्लांट मशीनरी इक्विपमेंट हायर हो रहा है देन उसके रेंट पर टीडीएस इज 2% एंड 10% फॉर द यूज ऑफ एनी लैंड बिल्डिंग इंक्लूडिंग फैक्ट्री बिल्डिंग और लैंड अपर्टेनेंट टू अ बिल्डिंग इंक्लूडिंग फैक्ट्री बिल्डिंग और फर्नीचर एंड फिटिंग्स। सो लैंड अगर किराए पर ले रहे आप, लैंड बिल्डिंग किराए पर ले रहे हैं, फर्नीचर फिटिंग्स किराए पर ले रहे हैं, देन उस पर टीडीएस इज 10%। प्रोविजन हम बिजनेस ट्रस्ट में पढ़ेंगे, प्रोविजन हम इसी मॉड्यूल में बिजनेस ट्रस्ट पे पढ़ेंगे। पॉइंट वन कह रहा है कि टीडीएस तभी कटेगा अगर जो रेंट पे कर रहे हैं पूरे साल का दैट एक्सीड्स ₹2,40,000, यानी 2,40,000 तक का रेंट है देन देयर विल बी नो टीडीएस। अगर लैंडलॉर्ड ब्रदर वन ब्रदर टू हैं और टेनेंट इनको रेंट पे कर रहा है 4 लाख पर एनम, ये जॉइंट ओनर है, तो क्या टीडीएस कटेगा? नो। बोर्ड कहता है कि हर भाई का रेंट का शेयर 2 लाख है, 2,40,000 से कम है, इसलिए टीडीएस नहीं कटेगा। तो अगर ज्वाइंट ओनर्स हैं
तो थ्रेशोल्ड 240 की हम जॉइंट ओनर के हिसाब से देखेंगे, यहां दो जॉइंट ओनर हैं तो रेंट आधा आधा माना जाएगा यहां पर। वेयर शेयर ऑफ ईच को ओनर इन द प्रॉपर्टी इज डेफिनेट एंड असर्टेनेबल, द लिमिट ऑफ 240 विल बी एप्लीकेबल टू ईच को ओनर सेपरेटली। पॉइंट थ्री में कह रहे हैं कि इंडिविजुअल HUF को TDS नहीं काटना होता, बट काटना होगा अगर प्रीसीडिंग ईयर में उसकी टर्नओवर एक्सीडेड ₹1 crore इन बिजनेस एंड 50 lakh इन प्रोफेशन। नीचे क्वेश्चन लिखिए, लैंडलॉर्ड है, टेनेंट है, इसे बिल्डिंग दे रहा है रेंट पर और बिल्डिंग का रेंट है 1,80,000 पर एनम, फर्नीचर भी किराए पर दे रहा है, रेंट है 50,000 पर एनम, प्लांट मशीनरी भी किराए पर दे रहा है, जनरेटर वगैरह, रेंट है 60,000 पर एनम। TDS कटेगा या नहीं? 3 सेपरेट एग्रीमेंट्स, तो क्या हम इन तीनों को जोड़कर देखेंगे ये 2,40,000 की लिमिट? आंसर इज यस। सो टोटल रेंट माना जाएगा 180, 230, 290। TDS कटेगा 2,30,000 पर 10% और TDS कटेगा 60,000 पर 2%। ये इंटरप्रिटेशन मैंने कैसे ली देखते हैं, पेज 32 पर देखिए डेफिनेशन ऑफ रेंट। रेंट मींस एनी पेमेंट बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड अंडर एनी लीज, सब लीज, टेनेंसी और अदर एग्रीमेंट अरेंजमेंट फॉर द यूज ऑफ आइदर सेपरेटली और टुगेदर। तो अगर ये आपने एक ही एग्रीमेंट को थ्रू दिया होता तब भी सेम आंसर होगा, अगर 3 सेपरेट एग्रीमेंट्स किए तो भी सेम आंसर होगा, बिकॉज लॉस इज आइदर सेपरेटली और टुगेदर एनी लैंड बिल्डिंग, लैंड अपार्टमेंट टू बिल्डिंग मशीनरी प्लांट इक्विपमेंट फर्नीचर फिटिंग्स वेदर और नॉट एनी और ऑल ऑफ द अबव आर ओन बाय द पे। तो तीनों को ऐड करके हम रेंट निकालेंगे और प्लांट मशीनरी के रेंट पर TDS विल बी 2%। ओके, पॉइंट टू है कि आपने एंट्री पास की रेंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड की जगह रेंट पेबल कर दिया, यानी लैंडलॉर्ड को क्रेडिट नहीं किया तो भी ये सेक्शन लग जाएगा, शुरू में मैंने बताया था आपको। पॉइंट फाइव इंपॉर्टेंट मार्क करिए, इस पर जापान एयरलाइंस का जजमेंट है और सिंगापुर एयरलाइंस का भी सेम जजमेंट है।
same जजमेंट सुप्रीम कोर्ट. तो लॉ कहता है अगर कोई भी पेमेंट दे रहे हैं फॉर यूज ऑफ लैंड दैट इज रेंट. अब क्या हुआ, ये जो जापान एयरलाइंस है और सिंगापुर एयरलाइंस है, इनके प्लेन्स इंडिया में आते हैं, इंडिया में लैंड करते हैं, तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इनसे लैंडिंग चार्जेस लेती है, लैंडिंग चार्जेस, कि हमारे एयरपोर्ट पर आप लैंड कर रहे हैं उसके लैंडिंग चार्जेस देंगे आप, और ये लैंडिंग चार्जेस पूरे साल में करोड़ों रुपीस के होते हैं. अब ये जो एयरलाइंस हैं ये टीडीएस काटती है अंडर 194C एट द रेट ऑफ 2%, जबकि डिपार्टमेंट कहता है कि टीडीएस कटना चाहिए अंडर 194I 10%. डिपार्टमेंट कहता है आपका एरोप्लेन तो लैंड तभी कर सकता है जब लैंड को छुएगा, जब उसके व्हील्स लैंड पर एयरपोर्ट के लैंड को छुएंगे तभी लैंड कर सकता है, एंड देयरफॉर देयर इज अ यूज ऑफ लैंड. तो यूज ऑफ लैंड के लिए जो पैसा मिलता है दैट्स रेंट एज पर डिपार्टमेंट. टीडीएस शुड बी डिडक्टेड एट द रेट ऑफ 10%. ये दोनों एयरलाइन सुप्रीम कोर्ट तक गई और सुप्रीम कोर्ट ने कहा लैंडिंग चार्जेस सिर्फ लैंड करने के नहीं होते, जब एरोप्लेन लैंड करता है तो बड़ी सारी चीजें होती हैं. एक एयर ट्रैफिक कंट्रोल से सिग्नल जाता है कि यस अब आप लैंड कर सकते हैं, फायर ब्रिगेड्स खड़ी हो जाती है आसपास ताकि आग लगे तो इवैक्यूएशन कर सकें, प्लस लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर इन लैंडिंग ऑफ एन एरोप्लेन. सुप्रीम कोर्ट का लैंडिंग चार्जेस सिर्फ यूज ऑफ लैंड के लिए नहीं है, ये तो एयर ट्रैफिक कंट्रोल भी यूज हो रहा है, फायर ब्रिगेड भी यूज हो रही है, सिक्योरिटी सिस्टम भी यूज होते हैं, बड़ी सारी चीजें जो होती है, एंड देयरफॉर यू कैन नॉट से दैट लैंडिंग चार्जेस ओनली फॉर द यूज ऑफ लैंड. सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह तो एक कॉन्ट्रैक्ट है एंड देयरफॉर 194C विल बी एप्लीकेबल एंड दीज एयरलाइंस हैव डिडक्टेड दैट टीडीएस करेक्टली एट द रेट ऑफ 2% अंडर 194C. इंपॉर्टेंट मार्क करिए पेज 32 जापान एयरलाइंस लैंडिंग एंड पार्किंग चार्जेस पेएबल बाय द एयरलाइंस इन रिस्पेक्ट ऑफ एयरक्राफ्ट आर नॉट फॉर द यूज ऑफ लैंड ओनली बट आर चार्जेस इन रिस्पेक्ट ऑफ नंबर ऑफ फैसिलिटीज प्रोवाइडेड बाय द एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया. दस लैंडिंग एंड पार्किंग चार्जेस payable by the airlines would attract TDS under 194C and not under 194I. The Supreme Court held as under, we are convinced that charges which are fixed by the Airport Authority of India for landing and take-off services as well as parking of aircraft are not for the use of land only. These charges are for services and facilities offered in connection with the aircraft operation at the airport. These services include providing of air traffic services, found safety services, aeronautical communications facilities, installation maintenance of navigational aids, meteorological services, etc. at the airport. Therefore, it is held at the charges are not for the use of land only, and therefore it cannot be treated as rent within the meaning of 194I. Hence, TDS shall not be deducted by the Singapore Airlines or Japan Airlines under 194I, but shall be deducted under section 194C. आज इंडिया में जितने एयरपोर्ट्स हैं, वो प्राइवेट प्लेयर्स को दे दिए गए हैं. जैसे आप बात करें GMR दिल्ली एयरपोर्ट रन कर रहा है, कंस्ट्रक्ट भी GMR ने किया,
दिल्ली एयरपोर्ट कंस्ट्रक्ट भी जीएमआर ने किया। तो जीएमआर को अलाउ किया जाता है कि सिंस पैसेंजर्स एयरपोर्ट यूज करेंगे तो पैसेंजर से आप 200 रुपीज पर पैसेंजर ले सकते हैं एज चार्जेस फॉर यूज ऑफ एयरपोर्ट। बट गवर्नमेंट को मालूम है कंज्यूमर जो ये है ट्रेवलर वो 200 रुपए नहीं देगा, तो एयरलाइन कंपनी को बोला जाता है कि आप अपने टिकट में 200 रुपए पैसेंजर सर्विस फीस चार्ज करिए जो पैसेंजर यूज करेगा एयरपोर्ट। अब जेट एयरवेज ने 200 करोड़ के पैसेंजर से पैसेंजर सर्विसेज फीस ली और इसको दिया फिर जीएमआर। जेट एयरवेज ने टीडीएस काटा 2% अंडर 194C। बट अगेन रेवेन्यू अथॉरिटी कहती है ये तो पेमेंट जा रही है फॉर यूज ऑफ एयरपोर्ट लैंड बिल्डिंग एंड देयरफॉर टीडीएस शुड बी डिडक्टेड अंडर 194I। गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई किया कि जैसे सुप्रीम कोर्ट जजमेंट आया जापान एयरलाइंस में कि लैंडिंग चार्जेस सिर्फ यूज ऑफ लैंड के लिए नहीं होते हैं, इसी तरह एयरपोर्ट पर जब पैसेंजर जाता है तो सिर्फ एयरपोर्ट के लैंड बिल्डिंग यूज नहीं करता, वो तो वेरियस अदर फैसिलिटीज यूज करता है एंड देयरफॉर सीबीटीटी क्लैरिफाइड कि पैसेंजर सर्विसेज फीस इज सेम इन द नेचर ऑफ दैट लैंडिंग चार्जेस पार्किंग चार्जेस एंड देयरफॉर इस पर 194C लगेगा ना कि 194I। पॉइंट 6 देखिएगा, नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ 194I ऑन रेमिटेंस ऑफ पैसेंजर सर्विसेज फीस बाय द एयरलाइन टू द एयरलाइन ऑपरेटर। एयरलाइन इज जेट एयरवेज, एयरपोर्ट ऑपरेटर इज जीएमआर। अ डिस्प्यूट अरोज ऑन द एप्लीकेबिलिटी ऑफ प्रोविजंस ऑफ 194I ऑफ द एक्ट ऑन पेमेंट ऑफ पैसेंजर सर्विसेज फीस बाय एन एयरलाइन टू द एयरलाइन ऑपरेटर जीएमआर। द ऑनरेबल हाईकोर्ट इन केस ऑफ जेट एयरवेज relied on judgment of Supreme Court in airlines where the Supreme Court held that in view of explanation to 194I, although normal meaning of word rent stood expanded, however the primary requirement is that payment must be for use of land building and mere incident, minor insignificant use of same while providing other services and facilities will not make the payment for the use of buildings and land so as to attract 194I. According to Bombay High Court, 194I shall not be attracted on payment of passenger service fees by the airline to the GMR. The board has accepted the above view of the High Court of Bombay High Court and accordingly, it is clarified that 194I will not apply to PSF but 194C will apply. अगर लैंडलॉर्ड को टेनेंट नॉन रिफंडेबल डिपॉजिट देता है, नॉन रिफंडेबल वापस नहीं होगा, फिर तो डिपॉजिट ही नहीं है, ये तो जबरदस्ती एओ को कंफ्यूज कर रहे हो आप, बेवकूफ बना रहे हो। तो अगर टेनेंट से लैंडलॉर्ड को नॉन रिफंडेबल डिपॉजिट मिलता है वो तो रेंट माना जाएगा और उस पर टीडीएस काटा जाएगा, उस पर टीडीएस काटा जाएगा। बट अगर रिफंडेबल डिपॉजिट मिल रहा है, नॉर्मली लैंडलॉर्ड टेनेंट से 2-3 महीने का डिपॉजिट लेता है कि जब आप खाली करके जाएंगे तो मैं वापस कर दूंगा आपको, वो रेंट नहीं माना जाएगा, वो रेंट नहीं माना जाएगा एंड अकॉर्डिंगली इस पर टीडीएस नहीं कटेगा। हाँ, उस पर कोई इंटरेस्ट पे हो रहा है तो एक सेक्शन करेंगे 194A, टीडीएस ऑन इंटरेस्ट वो लग जाएगा, इंटरेस्ट टीडीएस ऑन नॉन रिफंडेबल डिपॉजिट मेड बाय द टेनेंट सीबीडीटी क्लैरिफिकेशन। इन केस वेयर द टेनेंट मेक्स अ नॉन रिफंडेबल डिपॉजिट, टैक्स वुड हैव टू बी डिडक्टेड एट सोर्स
As such, deposit represents a consideration for the use of land building and therefore partakes the nature of rent. However, अगर deposit refundable है तो TDS नहीं कटेगा, और अगर deposit पर कोई interest charges दिए जा रहे हैं तो हम 194A में पढ़ेंगे TDS on interest, वो लग जाएगा. Next, TDS on security deposit adjusted at the end of the period. क्या होता है, मैंने दो महीने की सिक्योरिटी डिपॉजिट ली टेनेंट से 1 लाख पर मंथ रेंट इनटू टू लाख, उसने मेरा मकान खाली करना है 31 मार्च को, अच्छी टर्म से मेरी टेनेंट से, तो मैं क्या करता हूं, उससे बोलता हूं कि फरवरी मार्च का रेंट मुझे पे ना कर और मैं डिपॉजिट के अगेंस्ट एडजस्ट कर देता हूं. तो बताइए इस केस में टीडीएस काटा जाएगा या नहीं? यस. सो इस केस में जो टेनेंट है, लैंडलॉर्ड का टीडीएस काटेगा 20,000 रुपीज, और प्रैक्टिकली लैंडलॉर्ड 20,000 रुपीज उसे वापस कर देगा. कितने 2 लाख मेरे पास आ गए. TDS on security deposit adjusted at the end of the lease period, no TDS is required to be deducted at the time of payment of security deposit since it cannot be treated as advance rent. However, TDS has to be deducted when security deposit is to be adjusted. So, mere case mein jab March aur February ka security deposit adjust ho raha hai against the rent of February and March, tenant landlord का 10,000 रुपए महीने के हिसाब से 2 महीने का TDS जमा कर देगा, और फिर landlord 20,000 उसे वापस कर देगा कि आपका पैसा ही है, उसे वापस ले लीजिए. TDS on warehousing charges, आप warehouse किराए पर लेते हैं, उस पर rent पे करते हैं per day या space के हिसाब से, जितना स्पेस लेते हैं उस हिसाब से रेंट पे करते हैं, तो क्या उस पर टीडीएस 194I में कटेगा? यस. वेयर हाउस इज नथिंग बट यूज ऑफ प्रेमिसेस ओनली, लैंड बिल्डिंग ओनली. द टर्म रेंट एज डिफाइन इन एक्सप्लेनेशन टू 194I मींस एनी पेमेंट बाय वॉट एवर नेम कॉल्ड ऑन एनी लीज, सब लीज, टेनेंसी, अदर एग्रीमेंट अरेंजमेंट फॉर द यूज ऑफ बिल्डिंग लैंड, देयरफॉर वेयर हाउसिंग चार्जेस विल बी सब्जेक्ट टू डिडक्शन ऑफ टैक्स अंडर 194I एट द रेट ऑफ 10%. अब एक इशू उठा, वो होता है ना कोल्ड स्टोरेज. आज अमूल, ये जो होते हैं फ्रूट्स ग्रोअर, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जो उगाते हैं, ये लोग कोल्ड स्टोरेज का कुछ पार्ट किराए पर लेते हैं ताकि मिल्क प्रोडक्ट्स यहां स्टोर कर सकें, फ्रूट्स यहां स्टोर कर सकें, वेजिटेबल्स वगैरह यहां स्टोर कर सकें, ताकि वो खराब ना हो, दो दो हफ्ते के लिए स्टोर कर लेते हैं. अब इसके लिए जो चार्जेस पे किए जाते हैं, क्या उसे रेंट माना जाएगा टू अट्रैक्ट 194I? बोर्ड ने कहा कि देखिए यहां पर जगह किराए पर नहीं ली जा रही, यहां बेसिकली क्या चीज ली जा रही, मेन सर्विस क्या है, फ्रीजिंग, कोल्ड स्टोरेज यानी कूलिंग. यानी बेसिकली ये लोग जगह किराए पर नहीं ले रहे, ये तो कूलिंग का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं कि हमारे ये सब प्रोडक्ट्स 0 डिग्री पर रख जाए ताकि खराब ना हो. एंड देयरफॉर बोर्ड क्लैरिफाई करता है जो कोल्ड स्टोरेज को आप कूलिंग चार्जेस देते हैं उसे 194I ना लगे 194C लगे. देखिएगा पेज 35 पर पॉइंट 14 को इंपॉर्टेंट मार्क करिए, क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग एप्लीकेबिलिटी ऑफ 194I. पेज 35, टू पेमेंट्स मेड बाय कस्टमर्स ऑन अकाउंट ऑफ कूलिंग चार्जेस टू द कोल्ड स्टोरेज ओनर्स. इंपॉर्टेंट, द मेन फंक्शन ऑफ कोल्ड स्टोरेज
the main function of cold storage is to preserve the perishable goods by means of a mechanical process, and storage of such goods is only incidental in nature. The customer is also not given any right to use any demarcated place or space or the machinery of the cold storage, and therefore does not become a tenant. Therefore, provisions of 194I shall not be applicable to the cooling charges paid by the customers to the cold storage. However, since the arrangement between the customers and cold storage owners are basically contractual in nature, 194C lag jayega is cooling charges par. Since each page par hai hum, is page ko pehle complete kar lete hain. आपकी मदर को रेंट मिल रहा है 5 लाख, मदर को रेंट मिल रहा है 5 लाख, टेनेंट टीडीएस काट लेगा मदर का आपका, बट मदर की इनकम टैक्सेबल लिमिट से ऊपर ही नहीं जा रही। कैसे नहीं जा रही? 5 लाख में से 1/3 डिडक्शन मिल गया उनको, 30%, 3.5 लाख, और 5 लाख तक टैक्स होता ही नहीं है। एंड देयरफॉर जो मदर है, रिसिपियंट है, वो 15G 15S दे सकते हैं कि हमारा टीडीएस ना काटा जाए, बिकॉज हमारी इनकम टैक्सेबल लिमिट से ऊपर नहीं है। नेक्स्ट, इंडस टावर्स लिमिटेड। आपने देखा होगा ये जो टेलीकॉम टावर्स लगते हैं, ये लोग आपके पास आते हैं कि अपना टेरेस हमें दे दीजिए, हम टेरेस पर एक रूम बनाएंगे, रूम में हमारे इक्विपमेंट्स लग जाएंगे और यहां पर अपने टॉवर लगा देंगे। ये टॉवर सिग्नल कैच करके मोबाइल फोन्स को भेजती है। अच्छा, अब इंडस टावर्स ने ऐसे बड़े सारी जगह किराए पर ली हुई है। इशू देखते हैं, इस पेमेंट मेड फॉर यूज ऑफ पैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी सच एज मोबाइल टावर्स सब्जेक्ट टू टैक्स डिडक्शन अंडर 194C और I। The assessee own a network of telecom towers and infrastructure services which were let out to major telecom operators in the country. अब इंडस टावर क्या करता है? अच्छा, सपोज ये बिल्डिंग आपके फादर की है, आपके फादर ने इंडस टावर को अपना टेरेस दे दिया और इंडस टावर वहां पर रूम बनाकर टावर लगा देता है, तो इंडस टावर जो आपको फादर को पे करेगा वो तो रेंट है, नो डाउट अबाउट इट, 194I लग जाएगा। आपके फादर को क्या मिल रहा है? रेंट फॉर यूज ऑफ इस टेरेस। इंडस टावर इस तरह की बड़ी सारी टावर्स ओन करता है, तो इस तरह से करता है। अब ये किराए पर देता है इन टॉवर्स को एयरटेल को, भारती को, वोडाफोन को। सो इंडस टावर ने पूरे हिंदुस्तान में ऐसी टॉवर्स लगाई हुई हैं। टॉवर और इस रूम को बनवाया, इंडस टावर ने, टॉवर लगाई इंडस टावर ने। अब ये पूरा जो पैसे फैसिलिटी है ये दे दी जाती है एयरटेल को, वोडाफोन को, और इनसे 50 लाख पर मंथ का रेंट लिया जाता है। द असेसी ओन्ड अ नेटवर्क ऑफ टेलीकॉम टावर्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज विच वर लेट आउट टू मेजर टेलीकॉम ऑपरेटर्स इन द कंट्री। सो इंडस टावर्स इस तरह की बड़ी सारी टावर्स ओन कर रहा है और इनको किराए पर देता है टू एयरटेल, वोडाफोन, जियो फोन वगैरह वगैरह। अंडर 197
हम पढ़ेंगे 197 जहां आप एओ को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि टीडीएस लोअर रेट पे काटा जाए. द असेसी सॉट लोअर डिडक्शन ऑफ टैक्स अंडर 194C एट 0.5%, वेयर एज द एओ इशूड अ सर्टिफिकेट अंडर 197 फॉर लोअर टैक्स ऑफ 2.5% अंडर 194I. 197 का इशू नहीं है. यानी असेसी कहता है कि टीडीएस 194C में कटेगा. एसएससी कहता है, जबकि एओ कहता है जी 194I लगेगा 10%, जबकि एसएससी कह रहा है 2% 194C. सो एसएससी कहता है एयरटेल वोडाफोन दे से कि टीडीएस शुड बी एट द रेट ऑफ 2%, जबकि एओ कहता है टीडीएस 194I में लगेगा 10%. अब देखिएगा हाईकोर्ट क्या बोलेगा. द हाईकोर्ट ऑब्जर्व दैट इट वॉज द इंटेंशन ऑफ पार्टीज टू यूज अ टेक्निकल एंड स्पेशलाइज इक्विपमेंट मेंटेन बाय द असेसी. यानी जो मेन कॉन्ट्रैक्ट है वो किस लिए है, जो स्पेशलाइज इक्विपमेंट है वो यूज किया जाए. तो हाई कोर्ट ने कहा भाई ये तो 194C का केस ही नहीं है, ये तो इक्विपमेंट किराए पे देने की वाली बात है. इवन 194I में जो एओ 10% कह रहा है वो भी गलत कह रहा है. यानी असेसे भी गलत कह रहा है 194C, एओ भी गलत बोल रहा है 194I 10%. ये तो कॉन्ट्रैक्ट एक तरह से मशीन स्पेशलाइज मशीन किराए पे देने का है. एंड देयरफॉर हाई कोर्ट सेड क्या 194I लगेगा बट 2%. द हाईकोर्ट ऑब्जर्व दैट इट वॉज द इंटेंशन ऑफ द पार्टीज टू यूज द टेक्निकल एंड स्पेशलाइज इक्विपमेंट मेंटेन बाय द असेसी. तो यहां पर जो एयरटेल यूज कर रही है, वोडाफोन यूज कर रही है, प्रेमिसेस यूज नहीं कर रही, वो तो इंडस टावर की जो स्पेशलाइज इक्विपमेंट है, टावर है, वो यूज कर रही है. द इंफ्रास्ट्रक्चर वॉज गिवन फॉर द यूज ऑफ मोबाइल ऑपरेटर्स. द टॉवर्स वर न्यूट्रल प्लेटफॉर्म विदाउट विच द मोबाइल ऑपरेटर्स कुड नॉट ऑपरेट. ईच मोबाइल ऑपरेटर हैज टू कैरी आउट दिस एक्टिविटी बाय नेसेसरी रेंटिंग प्रेमिसेस एंड इंस्टॉलिंग द सेम इक्विपमेंट. द डोमिनेंट इंटेंशन वॉज ऑफ यूज ऑफ इक्विपमेंट प्लान मशीनरी एंड यूज ऑफ प्रेमिसेस ओनली इंसिडेंटल. द हाईकोर्ट हेल्ड रेवेन्यूज कंटेंशन दैट ट्रांजेक्शन इज प्राइमरी रेंटिंग ऑफ लैंड इज इनकरेक्ट. असेसी कंटेंशन दैट टीडीएस शुड बी डिडक्टेड अंडर 194C इज ऑल्सो इनकरेक्ट. द अंडरलाइन ऑब्जेक्ट ऑफ द अरेंजमेंट वॉज अ यूज ऑफ मशीनरी प्लांट इक्विपमेंट दैट इज द पैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इट इज इंसिडेंटल दैट इट वॉज नेसेसरी टू हाउस द इक्विपमेंट इन सम प्रेमिसेस. इट वॉज देयरफॉर डायरेक्टेड कि टीडीएस लगेगा 2% अंडर 194I एंड अकॉर्डिंगली एओ उसके हिसाब से लोअर रेट का सर्टिफिकेट इशू करे. वापिस आइएगा पेज 33.10. ऑन व्हाट अमाउंट द टैक्स इज टू बी डिडक्टेड 0.10 इफ रेंटर्स इंक्लूड म्युनिसिपल टैक्स ग्राउंड रेंट एटसेट्रा. तो टेनेंट आपको म्युनिसिपल टैक्स भी दे रहा है, ग्राउंड रेंट भी दे रहा है. बेसिस ऑफ टैक्स डिडक्शन इज इनकम बाय वे ऑफ रेंट. रेंट इज डिफाइंड for use of land, etc. Therefore, if municipal taxes, ground rent, etc. borne by the tenant, उस पर TDS नहीं कटेगा. So taxes पर there is no TDS. तो अगर किराएदार municipal taxes भी दे रहा है, ground rent दे रहा है, that is not rent and is not liable for TDS. Whether 194I is applicable to rent paid for use of only part of the पोर्शन ऑफ एनी लैंड बिल्डिंग. आज मेरी बिल्डिंग मेन रोड पर है, सैमसंग वाला आता है कि आपकी बिल्डिंग के जो ऊपर टॉप फ्लोर है उसमें मैं अपने बोर्ड्स लगाऊंगा. तो अब मैं पार्ट ऑफ द बिल्डिंग, छोटा सा पार्ट, उसे किराए पर दे रहा हूं. क्या 194I लग जाएगा? यस यस. डेफिनेशन ऑफ टर्म लैंड बिल्डिंग वुड इंक्लूड पार्ट ऑफ
एनी लैंड और बिल्ड, आप एडवांस रेंट पे करते हैं। आपने 6 महीने का एडवांस रेंट पे किया, क्या उस पर टीडीएस काटना पड़ेगा? यस, एट द टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ एडवांस रेंट। वेदर टैक्स हैज टू बी डिडक्टेड ऑन एडवांस रेंट, यस, टैक्स हैज टू बी डिडक्टेड इफ एनी एडवांस रेंट इज पेड। ओके, एक बोर्ड का सर्कुलर है कि सपोज मुझे 1/4/2020 से लेकर 31 मार्च 2022 का 24 महीने का एडवांस रेंट टेनेंट पे कर देता है 1/4/20 24 लाख, और इस पर टीडीएस काट लेता है 2,40,000। अब क्या करेंगे आप? बोर्ड कहता है क्या करिए आप, ये रेंट 2 साल का है, एक तो क्या 1/4/20 से लेकर 31 मार्च 2021, और एक क्या 1/4/21 से लेकर 31 मार्च 2022, 12 लाख यहां से होगा, 12 लाख यहां से होगा, तो अकॉर्डिंगली टीडीएस प्रोपोर्शनली क्लेम करिए आप। यहां पर क्लेम करिए 1,20,000 और यहां क्लेम करिए 1,20,000। टैक्स हैज टू बी डिडक्टेड अंडर 194(i) ऑन द एडवांस पेमेंट pertaining to more than one financial year. Difficulty arises since such advance is taxable in more than one financial year and the tax is deducted in the first year. The board clarifies that where advance rent is spread over more than one financial year and tax is deducted thereon, the credit for tax will be allowed in the same proportion in which income is offered for taxation in different assessment years based on the single certificate furnished for TDS. क्या होता है, जापान से एक टेनेंट आया, मेरे पास जापान से एक टेनेंट आया और उसने मुझसे 1/4/21 से लेकर 31 मार्च 2022 तक मेरा फ्लैट रेंट पर ले लिया और 12 लाख पर मंथ का मुझे रेंट दे रहा है, सारा रेंट एडवांस में दे दिया और मेरा टीडीएस काट लिया 1,20,000। अब क्या हुआ कि 3 महीने हुए, 30 जून को ये जैपनीज बोलता है जी मुझे क्या नाम आपका क्लाइमेट सूट नहीं कर रहा इसलिए मैं इंडिया छोड़ के जा रहा हूं, तो लैंडलॉर्ड इसे 9 लाख वापस कर देता है क्योंकि इस जैपनीज कंपनी के टेनेंट्स आते रहते हैं, एक से टर्म खराब की सबसे टर्म्स खराब हो जाएंगी, तो यह 9 लाख वापस कर दिया जबकि टीडीएस 1/20 का कट चुका है आपका, क्या करेंगे आप? बोर्ड बताता है, बोर्ड मीन्स सीबीडीटी। Problems also arise when subsequent to deduction of tax at source on the advance rent pertaining to more than one financial year, the rent agreement gets terminated, resulting into refund of the balance amount to the tenant. The board clarifies in such a case, the landlord in whose name the TDS certificate stands can claim the deduction of TDS not claimed so far, even if rental income is not included in his total income because of cancellation of the rent agreement. The landlord should claim TDS in the assessment year relevant to the financial year in which the rent agreements get terminated. इस example को change कर देता हूं. Suppose, ठीक है example भी ठीक है. तो अब आप income दिखाएंगे 3 लाख रुपीज
और TDS पूरा 120 क्लेम कर TDS पूरा 120 क्लेम कर लेंगे बिकॉज एग्रीमेंट कैंसिल हो गया आपका, ये जैपनीज का आप पैसा मार नहीं सकते एंड देयरफॉर जो लैंडलॉर्ड है 3 लाख अपनी इनकम में दिखाएगा और पूरा 120 TDS क्लेम कर लेगा। लास्ट इशू ऑन रेंट, मैं होटल रूम में जाता हूं, रेंट पे करता हूं पर डे, तो जो मैं होटल को रेंट पे कर रहा हूं क्या वो 194i में आ जाता है यूज ऑफ लैंड बिल्डिंग? बोर्ड कहता है देखिए नॉर्मली क्या होता है, एम्प्लॉइज ऑफ वेरियस कंपनीज होटल में जाके स्टे करते हैं, ऑडिटर्स होटल में जाके स्टे करते हैं, ऑडिटर्स के एम्प्लॉइज, और ये लोग होटल को पेमेंट कर देते हैं और फिर अपने एम्प्लॉयर से रिइंबर्समेंट ले लेते हैं, अपने एम्प्लॉयर से रिइंबर्समेंट ले लेते हैं। तो यहां सीबीडीटी कहता है कि सिंस ही इंडिविजुअल्स हैं, इनका प्रीसीडिंग और में टर्नओवर फ्रॉम बिजनेस वाज नॉट एक्सीडिंग 1 crore, देयर इज नो रिक्वायरमेंट टू डिडक्ट टीडीएस। सो बोर्ड क्लेरिफाई करता है कि नॉर्मली ये जो एम्प्लॉयज होते हैं कंपनीज के, ऑडिटर्स होते हैं उनके एम्प्लॉयज, ये जाके होटल में ठहरते हैं, ये पेमेंट होटल को कर देते हैं और बाद में एम्प्लॉयर से क्लाइंट से रिइंबर्समेंट क्लेम करते हैं। तो पेमेंट यहां इंडिविजुअल कर रहा है होटल को, 194i नहीं लगेगा बिकॉज इंडिविजुअल मदर वाला केस, क्योंकि इन एम्प्लॉयज का पिछले साल बिजनेस में टर्नओवर 1 crore से ऊपर नहीं था। ठीक है, हाँ, अगर कोई बिजनेसमैन जाके होटल में स्टे करता है, कोई बिजनेसमैन होटल में जाके स्टे करता है जो होटल को रेंट पे करेगा पूरे साल का 240 से ऊपर है, और इस बिजनेसमैन की टर्नओवर पिछले साल में 1 crore से ऊपर थी, उसे टीडीएस काटना होगा। इसी तरह कंपनी अगर होटल के रूम लेती है किराए पर और होटल को रेंट पे करती है, अगर रेंट 240 पर एनम से ऊपर है, कंपनी को टीडीएस काटना होगा 194i में। टीडीएस ऑन पेमेंट्स मेड टू होटल्स, द प्रोविजंस ऑफ 1 page 34, द प्रोविजंस ऑफ 194i डू नॉट नॉर्मली कवर एनी पेमेंट ऑफ रेंट मेड बाय इंडिविजुअल HUF एक्सेप्ट इन केसेस वेयर टोटल सेल्स एक्सीडेड 1 crore, प्रोफेशनल रिसीट एक्सीडेड 50 lakhs। Where an employee of an individual, employee or an individual representing a company like consultant, auditor, etc., makes payment to the hotel accommodation directly to the hotel, as and when he stays there, the question of TDS would not arise because उस employee की पिछले साल की sales 1 crore से ऊपर exceed नहीं कर रही, कंपनी तो मेयरली उसको रिइंबर्स करती एम्प्लॉय को। पैरा टू, द मीनिंग ऑफ रेंट इन सेक्शन 194i इज वाइड इन इट्स एम्बिट एंड स्कोप, फॉर दिस रीजन पेमेंट मेड टू द होटल्स फॉर होटल अकोमोडेशन वेदर इन द नेचर ऑफ लीज लाइसेंस एग्रीमेंट आर कवर्ड सो लॉन्ग एज सच अकोमोडेशन बीन टेकन ऑन रेगुलर बेसिस। रेगुलर बेसिस मतलब 240 से ऊपर का रेंट है। वेयर ईयरमार्क रूम्स आर लेट आउट फॉर अ स्पेसिफिक रेट, स्पेसिफाइड रेट, स्पेसिफिक पीरियड, दे वुड बी कंसिडर्ड टू बी अकोमोडेशन अवेलेबल ऑन अ रेगुलर बेसिस। यानी कि कंपनी डायरेक्ट किराए पर ले रही है होटल से कमरे, रेगुलर बेस माना जाएगा और 240 से ऊपर है रेंट तो टीडीएस कटेगा। सिमिलर वुड बी द केस where a room or set of rooms are not earmarked, but the hotel has a legal obligation to provide such types of rooms during the currency of the agreement. However,
ये जो बिग फोर्स होती है, मल्टीनेशनल्स होती हैं, ये होटल के साथ रेट कॉन्ट्रैक्ट्स करती हैं। जैसे ताज के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि हमारे इंप्लॉयज, हमारे ऑडिटर्स, हमारे बिजनेस विजिटर्स किसी भी ताज होटल में ठहरेंगे, उन्हें आप 7,500 प्लस जीएसटी चार्ज करेंगे, इसमें फ्री ब्रेकफास्ट देंगे। ये पेमेंट बिग फोर नहीं करती, ये पेमेंट जो ठहरता है वो करता है। सो ईवाई, पीडब्ल्यूसी सिर्फ क्या करती है, इनसे रेट कॉन्ट्रैक्ट कर लेती है कि रेंट आपका 18,000 है, पर हम पूरे साल में आपसे 400 नाइट्स लेंगे और हम आपको पे करेंगे 7,500 पर नाइट। सो पेमेंट कंपनी नहीं करती, ईवाई नहीं करता, जो लोग ठहरते हैं वो करते हैं। तो आगे बोर्ड क्लैरिफाई करेगा, अगर रेट कॉन्ट्रैक्ट है, अगर रेट कॉन्ट्रैक्ट है उस पर देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ डिडक्शन ऑफ टीडीएस, बिकॉज कंपनी ईवाई एटसेट्रा इज ओनली फिक्सिंग द रेट्स। हाउएवर ऑफन देयर आर इंस्टेंसेस वेयर कॉर्पोरेट एम्प्लॉयर्स, टूर ऑपरेटर्स, ट्रेवल एजेंट्स एंटर इनटू एग्रीमेंट्स विद द होटल्स विद अ व्यू टू मेरली फिक्स द रूम टैरिफ्स ऑफ द होटल फॉर द एग्जेक्टिव गेस्ट एंड कस्टमर। सिर्फ रेट फिक्स करते हैं, पेमेंट कस्टमर ही करेगा। सच कॉन्ट्रैक्ट देयर फोर मे बी सेट टू बी कॉन्ट्रैक्ट फॉर प्रोवाइडिंग स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ होटल प्री डिटरमिन रेट्स ड्यूरिंग द ग्रेट पीरियड। वेर एन एग्रीमेंट इज मेयरली इन द नेचर ऑफ अ रेट कॉन्ट्रैक्ट, इट कैनॉट बी सेट टू बी अकोमोडेशन टेकन ऑन रेगुलर बेसिस बिकॉज देयर इज नो ऑब्लिगेशन ऑन द पार्ट ऑफ द होटल टू प्रोवाइड अ रूम और स्पेसिफिक रूम। द ऑक्युपेंसी इज कैजुअल, ओकेजनल एंड देयरफॉर टीडीएस विल नॉट अप्लाई टू रेट कॉन्ट्रैक्ट्स। इतना एम्फेसिस मत दीजिए, पुराने सर्कुलर हैं 2002 के, रीसेंट लॉ में बहुत चेंज है, उस पर ध्यान दीजिए। पेज 35। अगर सेलर बायर को इमोबाइल प्रॉपर्टी सेल करता है, लेट्स से 1 करोड़ रुपए की, तो पेमेंट कौन किसको देगा? बायर देगा सेलर को 1 करोड़। सो 194IA में ऑब्लिगेशन है बायर पर कि सेलर का 1% टीडीएस काटे। बायर की ऑब्लिगेशन सेलर की, सेलर का 1% टीडीएस काटे, यानी यहां पर बायर पेमेंट देगा सेलर को कितना, 99 लाख, और 1 लाख टीडीएस काट के जमा कर देगा। अब आप कहेंगे बायर तो आपके फादर है, इंडिविजुअल है, उनके पास 10 नहीं है, कोई बात नहीं। तो लॉ कहेगा कि बायर को 10 लेने की जरूरत नहीं है, टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर लेने की जरूरत नहीं है। एक सिंपल चलान होता है जो एक लेमन भी भर लेगा, उसमें आप सेलर का नाम, पैन नंबर डाल दीजिए, प्रॉपर्टी का डिस्क्रिप्शन दे दीजिए, अमाउंट दे दीजिए, 1% टीडीएस काट के बैंक में जमा कर दीजिए, मैटर एंड्स देयर। सो अगर कोई इमोबाइल प्रॉपर्टी बिकती है तो बायर सेलर को जो पेमेंट देगा उसमें से 1% टीडीएस काटेगा, और ये सेक्शन तब लगता है अगर जो प्रॉपर्टी बिक रही है इट इज 50 लाख रुपीज और मोर, इट इज 50 लाख रुपीज और मोर। मेरे ब्रदर ने एक प्रॉपर्टी खरीदी, प्रॉपर्टी दिल्ली में है, सेलर एनआर है। ब्रदर ने प्रॉपर्टी मान लीजिए 1 करोड़ की खरीदी, तो क्या ब्रदर इसका 1% टीडीएस काटेगा? आंसर इज नो। 194IA ये तब लगता है जब सेलर रेजिडेंट है, अगर सेलर नॉन रेजिडेंट है तो 195 लग जाएगा। यहां मेरे ब्रदर को इसकी कॉस्ट पता करनी पड़ेगी, कॉस्ट इंडेक्स करके कैप गेन निकालेगा, वो कैप गेन पर जो टैक्स रेट है
अगर लॉन्ग टर्म में 20% प्लस सरचार्ज वगैरह वो ऐड करेगा, वो टीडीएस काटेगा मेरा भाई। तो ये सेक्शन तब लगता है जब पेमेंट कर रहे हैं आप किसको, सेलर को, हु इज अ रेजिडेंट। अगर सेलर इज अ नॉन रेजिडेंट देन सेक्शन 195 इज एप्लीकेबल। एक मिनट स्टार्ट कर लेते हैं, ब्रेक से पहले स्टार्ट कर लेते हैं। 194IA, चलिए इसे ब्रेक के बाद ही कर लेते हैं, ब्रेक के बाद ही कर लेते हैं। कैन वी प्लीज स्टार्ट द क्लास, पेज 35 पर थे हम, 194IA, जहां बायर सेलर का 1% टीडीएस काटेगा अगर सेलर इमोबल प्रॉपर्टी बेच रहा है 50 लाख रुपीज और मोर की। अगर एग्रीकल्चर लैंड बेच रहा है विच इज नॉट फॉलिंग इन डेफिनेशन ऑफ कैपिटल एसेट, देयर विल बी नो टीडीएस। तो सेक्शन में आपको लिखा मिलेगा कि अगर एग्रीकल्चर लैंड बेच रहा है सेलर विच इज नॉट फॉलिंग इन द डेफिनेशन ऑफ कैपिटल एसेट, यानी रूरल एरिया में है, तो सिंस वो कैपगेन टैक्सेबल नहीं होता है इसलिए यहां टीडीएस नहीं कटेगा। अच्छा, अगर सेलर बायर को प्रॉपर्टी 40 लाख की बेच रहा है 40 लाख एंड स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इज 60 लाख, सेल प्राइस है 40 लाख, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है 60 लाख, तो क्या सेक्शन लगेगा? आंसर इज नो, बिकॉज सेक्शन टॉक्स अबाउट द सेल प्राइस। टीडीएस ऑन पेमेंट ऑन ट्रांसफर ऑफ सर्टेन इमोबल प्रॉपर्टी अदर देन एग्रीकल्चर लैंड, दिस इज ओनली इफ द पेमेंट इज मेड टू अ रेजिडेंट। अगर सेलर नॉन रेजिडेंट है फिर तो उसके कैप गेन निकालेगा बायर, उस पर जो नॉर्मल टैक्स रेट होता है कैप गेन पे 20% जो भी है उस पर टीडीएस कटेगा 195 में। एनी पर्सन बींग अ ट्रांसफरी बायर रिस्पॉन्सिबल पेइंग अदर देन द पर्सन रेफर्ड इन 194LA, 194LA नेक्स्ट क्लास में करेंगे, टू अ रेजिडेंट ट्रांसफरर, यानी सेलर इज अ रेजिडेंट, एनी सम बाय वे ऑफ कंसिडरेशन फॉर ट्रांसफर ऑफ एनी इमोबल प्रॉपर्टी अदर देन एग्रीकल्चर लैंड विच इज नॉट फॉलिंग इन डेफिनेशन ऑफ कैपिटल एसेट शैल एट द टाइम ऑफ क्रेडिट ऑफ सम टू द अकाउंट ऑफ द पे एट द टाइम ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर डिडक्ट एन अमाउंट इक्वल टू 1% एज इनकम टैक्स। सपोज बायर आपकी मदर है, 10 नंबर नहीं होगा, टीडीएस की क्वार्टरली रिटर्न नहीं फाइल करती। अच्छा, ये सेक्शन हर किसी को लगेगा, बायर चाहे उसका लास्ट या टर्नओवर कुछ भी नहीं था, ये सेक्शन लगेगा। यहां पर वो चीज नहीं लगती कि इंडिविजुअल HUF जिनका टर्नओवर पिछले साल में 1 करोड़ से ऊपर था उन पे लगेगा, यहां ये नहीं लगता है। तो आपकी मदर है, ग्रैंड मदर है, जो बिजनेस नहीं भी करती हैं, उनको ये सेक्शन लगेगा अगर वो बायर है। हाँ, तो बायर को दिक्कतों से बचाने के लिए इन्होंने कहा सबसेक्शन 3, द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 203A, 203 होता है 10 नंबर लेना, टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर लेना, शैल नॉट अप्लाई टू द पर्सन रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन। तो यहां 10 लेने की जरूरत नहीं है, सिंपली एक चालान होता है, बहुत सिंपल चालान, उसके थ्रू मदर आपकी टैक्स भर देंगी, उसमें सेलर का नाम पैन नंबर वगैरह होता है। नो डिडक्शन अंडर सबसेक्शन 1 शैल बी मेड वेयर द कंसिडरेशन फॉर ट्रांसफर ऑफ इमोबल प्रॉपर्टी इज लेस देन 50 लाख। फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन इमोबल प्रॉपर्टी मीन्स एनी लैंड बिल्डिंग अदर देन एग्रीकल्चर लैंड विच इज नॉट अ कैपिटल एसेट। अब बिल्डर्स क्या करते थे, बिल्डर्स टीडीएस से बचने के लिए क्या करते थे, बायर को फ्लैट बेचे, रियल प्राइस है 70 लाख, यानी बिल्डर बायर को भेजेगा 70 लाख का। बट इस सेक्शन से बचने के लिए बिल्डर क्या करता है, एग्रीमेंट टू सेल दिखाता है 45 लाख का, कहता है जी मैं आपको पार्किंग बेच रहा हूं, एक और एग्रीमेंट करता है जहां पार्किंग बेचता है आपको 20 लाख रुपए की।
एक और एग्रीमेंट करता है जहां आपको क्लब मेंबरशिप फीस देता है, लेता है आपसे 5,00,000 रुपए की। ऑल्दो इस फ्लैट के साथ पार्किंग भी होती है, फ्लैट के साथ क्लब मेंबरशिप फीस भी मिलती है, तो बिल्डर क्या करता है, सेपरेट एग्रीमेंट्स करता है। 45 लाख में दिखाता है कि मैंने अपना फ्लैट बेचा बिल्डर ने, और दिखाता है 20 लाख पार्किंग चार्जेस ले रहा हूं मैं, पार्किंग बेच रहा हूं, दिखाता है कि मैंने आपको क्लब की एंट्रेंस दी है उसकी एनुअल मतलब मेंबरशिप फीस ले रहा हूं। फाइनेंस एक्ट 19 ने, और बिल्डर क्या करते थे, कहते थे टीडीएस नहीं कटेगा बिकॉज कंसिडरेशन 45 लाख ओनली। फाइनेंस एक्ट 19 ने इस लैक्यूना को प्लग किया, एक्सप्लेनेशन ऐड की गई, फॉर द पर्पस ऑफ द सेक्शन कंसिडरेशन फॉर ट्रांसफर ऑफ एनी प्रॉपर्टी शैल इंक्लूड ऑल चार्जेस ऑफ द नेचर ऑफ क्लब मेंबरशिप फीस, यानी जो सेल प्राइस उसमें क्या क्या ऐड करेंगे हम, क्लब मेंबरशिप फीस, कार पार्किंग फीस, इलेक्ट्रिसिटी वाटर फैसिलिटी फीस, मेंटेनेंस फीस, एडवांस फीस और अदर चार्जेस ऑफ सिमिलर नेचर विच आर इंसिडेंटल टू ट्रांसफर ऑफ इमोबल प्रॉपर्टी, यानी अगर ये चार्जेस बेस्ड है, जब प्रॉपर्टी ट्रांसफर आपको तब होगी जब ये पे कर देंगे, तो ये सब कुछ आपकी सेल प्राइस में ऐड किया जाएगा। क्लब मेंबरशिप फीस, पार्किंग बेच रहा है, इलेक्ट्रिसिटी वाटर मीटर बेच रहा है आपको, कुछ एडवांस मेंटेनेंस ले रहा है आपसे, एडवांस फीस ले रहा है, कुछ भी चार्जेस ले रहा है जो कि लिंक्ड है कि ट्रांसफर आपको तभी होगा जब ये पे करेंगे आप, ये सब आपका सेल प्राइस का पार्ट माना जाएगा। सेक्शन मेमोरेंडम देखिएगा एक्सप्लेनिंग द फाइनेंस बिल 19, और इस बार एग्जाम में यही क्वेश्चन था कि 3 सेपरेट एग्रीमेंट्स किए गए, सेक्शन से क्लियर नहीं हो रहा कि एक एग्रीमेंट या एक से ज्यादा एग्रीमेंट, बट मेमोरेंडम से क्लियर हो जाएगा, और यहीं से एग्जामिनर ने क्वेश्चन बना दिया। सेक्शन 194IA ऑफ द एक्ट रिलेट्स टू पेमेंट ऑन ट्रांसफर ऑफ इमोबल प्रॉपर्टी अदर देन एग्रीकल्चर लैंड, और टीडीएस कहता है 1% ऑन द कंसिडरेशन। इट इज नोटेड दैट द ट्रांजेक्शन इन्वॉल्विंग परचेज ऑफ इमोबल प्रॉपर्टी देयर आर अदर टाइप्स ऑफ पेमेंट्स मेड विदाउट बिसाइड्स द सेल कंसिडरेशन, द बायर इज contractually bound to make such payments to the builder either under the same agreement or under a different agreement. Some of such payments are those for rights to amenities like club membership fee, car parking fee, electricity, water, wo sab repeat kiya accordingly. Ye sab kuch ab aapki sale price mein gina jayega for computing the limit of 50 lakh and for deduction of TDS of 1%. DLF sells a flat to Mr. X for 49 lakh on 1-1-2022 through an agreement to sell. The agreement to sell also provides that Mr. X has to pay 50,000 and 25,000 for electricity and water meter respectively. Maintenance charges of flat are 6,000 per month and Mr. X has to pay 24 months maintenance fees in advance as per the agreement to sell. DLF has entered into another agreement with X that Mr. X shall pay the following to DLF before the flat is registered in name of Mr. X, 5 lakh parking ke liye, 3 lakh club membership fees ke liye. Ab amendment ki wajah se कंसिडरेशन क्या मानी जाएगी, 49 लाख प्लस 50,000 प्लस 25,000 प्लस 144 प्लस 5 लाख प्लस 3 लाख, तो टीडीएस कटेगा एंटायर अमाउंट पर। सो एनालिसिस ऑफ पॉइंट 1 सिंपल है, 2 इट इज नॉट नेसेसरी दैट लैंड बिल्डिंग शुड बी सिचुएटेड इन इंडिया इफ एनी पर्सन इज परचेसिंग प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया from a person resident in India, he is liable to deduct tax at source on the sale consideration at the rate of 1%. So what is relevant is, ki property aap purchase kare from a person resident in India, in that case, TDS will be at the rate of 1%.
in case 194i is attracted, then purchaser is not required to obtain 10, 203A applicable nahi hai. Every person who is purchasing property of 50 lakh or more would have to deduct TDS, 1% of the payment made to seller. In case seller does not append, तो हम एक सेक्शन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास से, उस नेक्स्ट क्लास में 206AA लग जाता है और पे नहीं होगा सेलर का तो 20% टीडीएस कटेगा. इन केस द प्रॉपर्टी ऑफ सेल प्राइस इज 50 लाख और मोर एंड पेमेंट्स आर मेड इन पार्ट, सो आप इंस्टॉलमेंट्स में पेमेंट कर रहे हैं तो हर इंस्टॉलमेंट के टाइम पर आपको टीडीएस काटना पड़ेगा. 7. If sellers jointly own a property, so husband wife jointly property hold कर रहे हैं और sell कर रहे हैं 60 lakh की buyer, TDS कटेगा because you have to see the consideration of the immovable property. If sellers jointly own a property and sells for consideration of 50 lakh or more, 194IA लगेगा even if each co-owner share is लेस देन 50 लाख. सो टीडीएस कटेगा जो इमोल प्रॉपर्टी है, चाहे वो सेलर के हाथ में स्टॉक इन ट्रेड है या कैपिटल एसेट है जैसे बिल्डर के हाथ में स्टॉक इन ट्रेड है, तो भी बायर टीडीएस काटेगा. इन केस इमोल प्रॉपर्टी इज एक्वायर्ड अंडर एनी लॉ इन फोर्स, तो अगर प्रॉपर्टी किसी लॉ में एक्वायर हो जाती है तो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे 194LA लगता है ऑन कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ इमोल प्रॉपर्टी, 194IA नहीं लगता है. ए एंड बी आर जॉइंट होल्डर्स ऑफ अ बिल्डिंग लोकेटेड इन दिल्ली, हैविंग इक्वल शेयर इन द बिल्डिंग, दे सोल्ड द हाउस फॉर कंसीडरेशन ऑफ 55 लाख, 27.5 लाख मिल रहा है दोनों को, टीडीएस कटेगा बिकॉज कंसीडरेशन फॉर इमोबल प्रॉपर्टी इज 50 लाख और मोर. टू, अभय कुशाल परचेज अ बिल्डिंग लोकेटेड इन लुधियाना जॉइंटली, दे बॉट इट फ्रॉम मिस्टर कुणाल फॉर अ कंसीडरेशन ऑफ 60 लाख ऑन 11/11/21. मिस्टर अभय कुशाल रिक्वायर टू पे 30 लाख ईच, टीडीएस काटना पड़ेगा बिकॉज कंसीडरेशन फॉर द सेल ऑफ प्रॉपर्टी एक्सीड 50 लाख और मोर. इलस्ट्रेशन 3 इज गुड. बीकेसी प्राइवेट लिमिटेड एक्वायर्ड लैंड सिचुएटेड एट यमुना एक्सप्रेस हाईवे ऑन 14/4/21 फ्रॉम रहेजा बिल्डर्स, और रहेजा बिल्डर्स ने क्या किया है, 10 लाख इक्विटी शेयर इशू किए हैं फेस वैल्यू ऑफ 10 एट अ प्रीमियम ऑफ 25, यानी 25 रुपए के हिसाब से शेयर इशू हुए हैं, तो यानी कि 2,50,00,000 इज द कंसिडरेशन. अब यहां पेमेंट तो होगी नहीं क्योंकि शेयर्स अलॉट हो रहे हैं, तो इस केस में रहेजा बिल्डर्स को टीडीएस काटना होगा या नहीं, काटना होगा इस केस में. सॉरी बीकेसी को, बीकेसी रिक्वायर किया ना, बीकेसी इज रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टीडीएस एट द रेट ऑफ 1% ऑन 250 एट द टाइम ऑफ इश्यू ऑफ शेयर्स, ग्रॉसिंग अप शैल बी डन इफ द एग्रीमेंट स्पेसिफाइज दैट द बर्डन ऑफ टीडीएस विल बी बॉर्न बाय द बायर. पी आर नॉन रेजिडेंट सोल्ड अ बिल्डिंग सिचुएटेड इन मुंबई टू जेड फॉर अ टोटल कंसीडरेशन ऑफ 1.25 करोड़, जेड विल मेक पेमेंट टू मिस्टर पी आफ्टर डिडक्शन ऑफ टैक्स ऑफ 20% प्लस सरचार्ज. क्यों? जहां सेलर नॉन रेजिडेंट है वहां 194IA नहीं लगेगा, 195 लगेगा. आकाश अ रेजिडेंट इन इंडिया sold his house in Kolkata to Mr. Rahul, who is a resident of US, for a consideration of 2 crores on 20/12 case. तो payment हो रही है resident को, आकाश को, तो चाहे NR है, NR को TDS काटना पड़ेगा 194IA में. Deepak, resident in India, owned a house in Jaipur. He sold the house to Anand for a consideration of 48 lakh. Stamp duty value is 55 lakh, section not applicable. So stamp duty value is irrelevant. अब एक section करते हैं जिसमें से बहुत question आते हैं exam में आपको. Page 41.
page 41. सेक्शन 194G, आप एनी पर्सन, सो TDS ऑन फीस फॉर प्रोफेशनल टेक्निकल सर्विसेज पेड टू अ रेजिडेंट, तो आप प्रोफेशनल सर्विसेज के लिए फीस पे करते हैं 10% TDS काटते हैं, टेक्निकल सर्विसेज के लिए फीस पे करते हैं 10% TDS काटते हैं, रॉयल्टी एनी सम रेफर्ड इन 2810 एंड दिस। सो पहले इस सेक्शन में कवर होते थे सिर्फ प्रोफेशनल फीस एंड टेक्निकल सर्विसेज फीस, इसका स्कोप बढ़ाया गया, रॉयल्टी पर भी यह सेक्शन एक्सटेंड किया गया। एनी सम रेफर्ड इन 2810 ये क्या था, नॉन कंपीट फीस, नॉन कंपीट फीस पे करते हैं उस पे TDS काटा जाएगा, ई डायरेक्टर्स फीस। तो डायरेक्टर को अगर सैलरी मिल रही है फिर तो कोई दिक्कत है ही नहीं, उस पे तो 192 में TDS कटेगा। डायरेक्टर को अगर प्रोफेशनल सर्विसेज फीस मिल रही है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 194G में TDS कटेगा। बट डायरेक्टर्स को बोर्ड मीटिंग अटेंड करने के लिए सिटिंग फीस मिलती है जो लाखों में चली जाती है, सो डायरेक्टर्स फॉर अटेंडिंग द बोर्ड मीटिंग्स दे गेट अ बोर्ड मीटिंग फीस, सिटिंग फीस, उस पर पहले कई TDS नहीं कटता था, यहां सेक्शन अमेंड किया गया। एनी रेमुनरेशन ऑफ फीस और कमीशन बाय व्हाट एवर नेम कॉल्ड अदर देन दोज ऑन विच टैक्स इज डिडक्टेबल अंडर 192 पे टू अ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी, अगर डायरेक्टर को दे रहे हैं तो 194J लगेगा अगर 192 में कवर नहीं। सो अगर डायरेक्टर को आप प्रोफेशनल सर्विसेज के लिए दे रहे थे फिर तो कवर था पहले से, यहां सेटिंग फीस कवर की गई है। सो फीस फॉर प्रोफेशनल सर्विसेज, फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज, रॉयल्टी एनी सम रेफर्ड इन 2810 दिस इज नॉन कंपीट फीस। नॉन कंपीट फीस, तो नॉन कंपीट फीस आपने पे की उस पर TDS काटेंगे, और कोई भी डायरेक्टर को पेमेंट कर रहे हैं जो सैलरी में टैक्स नहीं हो रही है, टैक्स नहीं कट रहा है, वो यहां कवर होगी। बेसिकली दे आर टॉकिंग अबाउट द सेटिंग फीस टू डायरेक्टर्स। तो यहां TDS कटता था 10% पर, यहां TDS कटता था 10% पर, एक बड़ी मैसिव लिटिगेशन होती थी, एक बड़ी मैसिव लिटिगेशन होती थी। आप मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, आप मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, जैसे मैंने कंप्यूटर्स का AMC कराया, कंप्यूटर्स का AMC कराया, मैंने लिफ्ट का AMC कराया, उसके लिए मैं 1 लाख पर एनम दे रहा हूं। यहां झगड़ा होता था, असेसी कहता था जी 194C लगेगा 2%, EO कहता था ये तो टेक्निकल सर्विसेज हैं, 194I लगेगा 10%, और लिटिगेशन चलती थी। फाइनेंस एक्ट 20 ने इस लिटिगेशन को खत्म कर दिया, फाइनेंस एक्ट 20 ने इस लिटिगेशन को खत्म कर दिया और कहा कि टेक्निकल सर्विसेज फीस पर अंडर 194I TDS इज 2%। सो नॉर्मली AMC जो प्रोवाइड करती है कंपनीज ही होती है, तो TDS रेट 194J में, जे में दे हैव मेड इट जे सॉरी जे जे सो AO कहता था 194J लगेगा, जबकि SSC कहता था 194C लगेगा। सो इस कंट्रोवर्सी को उन्होंने खत्म कर दिया बता फाइनेंस एक्ट 20 और कहा टेक्निकल सर्विसेज फीस पर 194J में TDS विल बी एट द रेट ऑफ 2%। देखिएगा पेज 48, पेज 48 फाइनेंस बिल 20,
reducing the rate of TDS on fees for technical services other than professional services from 10% to 2%. So you can have 194J mein technical services fees par 10% TDS karta tha, 194C mein contract par 2% TDS karta, 2% 1%. It is noticed that there are large number of litigations on issue of short deduction of tax treating assessee in default, where the assessee deducts tax under 194C, where the AOs claim that tax should have been deducted under 194J at 10%. Therefore, reduce the litigation. It is proposed to reduce the rate of TDS in 194J in case of fees for technical services other than professional services from to 2% from 10%. So fees for, वापस आइए page 41, fees for professional services per TDS is 10%, technical services per 2%, royalty pay 10%, any sum referred in 2810, non-compete fees will be 10%, any remuneration fees payable to director including the board, the setting fees, which is not taxable under 192 salary, then 10%. Shall at the time of credit of such sum to the account of the pay or payment, whichever is earlier, deduct TDS 2% of sum in case of fees for technical services. Ye pehle 10% hota tha. Ise kitna kar diya gaya? 2%. 2% of royalty. Where such royalties in the nature of consideration for sale, distribution, exhibition of cinematographic films, abhi karata hoon, ye karata hoon. 2% of such sum, if pay is engaged only in the business of operation of call center. So call center mein profit margins kam hote hain, to sirf call center chala raha hai, aur kuch nahi chala raha. तो उस केस में जो आपको पेमेंट मिलेगी टीडीएस कटेगा एट द रेट ऑफ 2% एंड 10% इन केस ऑफ अदर्स. जब आप पीजीबी पे कर रहे थे पेज 41, एक क्वेश्चन किया था आपने, जो मैंने कहा था समझाऊंगा आपको बाद में, कि एबीसी एक्स वाई जेड को नॉन कंपीट फीस पे करती है 100 लाख. ठीक है, तो एबीसी लिख लीजिएगा, शुड डिडक्ट टीडीएस 10 लाख अंडर 194J. तो इसके हाथ में क्या ट्रीटमेंट होगा? एबीसी के हाथ में नॉन कंपीट फीस इज अ इनटेंजिबल एसेट. So ABC के हाथ में 100 लाख विल बी ट्रीटेड एज इंटेंजिबल एसेट. और XYZ के हाथ में क्या होगा? अगर आपको कोई पैसा मिलता है फॉर नॉट डूइंग समथिंग दैट इज बिजनेस इनकम, तो वहां हमने किया था इसके हाथ में इट्स बिजनेस इनकम. और ABC के हाथ में 100 लाख विल बी एडेड टू ब्लॉक ऑफ इंटेंजिबल्स. आप कहेंगे मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि उस क्वेश्चन में यह था कि अगर एबीसी ने टीडीएस नहीं काटा तो भी क्या ब्लॉक में ऐड होगा? यस, कहीं हमने ऐसी नहीं कंडीशन पड़ी थी कि टीडीएस काटना मस्ट है, अगर नहीं काटेंगे तो एसेट ब्लॉक में नहीं ऐड होगा. सो 100 एक्ट बी एडेड टू ब्लॉक ऑफ इंटेंजिबल्स इवन इफ नो टीडीएस डिडक्टेड. तो जो पीसीपीपी का फर्स्ट मॉड्यूल था उसमें लास्ट आई थिंक 3 या 4 क्वेश्चन में ये क्वेश्चन था. सो नॉन कंपीट फीस पर पेयर 10% टीडीएस काटेगा, और अगर टीडीएस नहीं काटता
टीडीएस ना काटने की पेनल्टीज प्रोसिक्यूशन है, बट टीडीएस काटा या नहीं काटा एबीसी के ब्लॉक में 100 लाख ऐड हो जाएगा। और जो एक्स वाई जेड रिसीवर है उसके हाथ में ये इनकम है, आपने पढ़ा था सेक्शन 28, नॉट कैरिंग आउट एनी एक्टिविटी के लिए पैसा मिलता है, दैट इज पीजीपी इनकम। क्लियर है? सो टीडीएस रेट क्या है? प्रोफेशनल सर्विसेज पे 10%, टेक्निकल सर्विसेज पे 2%, रॉयल्टी पे 10%। बट अगर रॉयल्टी है इन नेचर ऑफ कंसीडरेशन फॉर सेल डिस्ट्रीब्यूशन एग्जीबिशन ऑफ सिनेमेटोग्राफिक फिल्म्स, देन इट इज 2%। कॉल सेंटर को पेमेंट होगी 2%, बाकी सब पर 10%। ओके, नेक्स्ट पेज के टॉप पर एक क्वेश्चन लिखिएगा, नेक्स्ट पेज के टॉप पे क्वेश्चन लिखिए। PQR ABC को पे करता है 25,000 फॉर प्रोफेशनल सर्विसेज, और 25,000 पे करता है फॉर टेक्निकल सर्विसेज। आगे पढ़िए, बताइए टीडीएस कटेगा या नहीं कटेगा। अच्छा एक मिनट, पेज 41 पर ना 28,10 है, ये बेसिकली 28,5A है, 28,5A यानी मॉड्यूल में नंबरिंग 28,10 की हुई थी, बट 28,5A है बेयर एक्ट के हिसाब से। सो पेज 41 एनी सम रेफर्ड इन सेक्शन 28,5A है, 5A। तो हमने ये क्वेश्चन लिखा, अब आप पेज 42 पे पढ़िएगा। हाउएवर नो डिडक्शन शैल बी मेड अंडर द सेक्शन वेयर द अमाउंट ऑफ सच सम और द एग्रीगेट अमाउंट ऑफ सच सम क्रेडिटेड ऑफ पे और लाइकली बी क्रेडिटेड ऑफ पे ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर बाय द अफोरसेड पर्सन टू द अकाउंट ऑफ द पे डज नॉट एक्सीड 30,000 ए बी सी डी। डायरेक्टर सेटिंग फीस ले कोई थ्रेशहोल्ड नहीं है, डायरेक्टर सेटिंग फीस अगर 10,000 भी पे कर रहे हैं टीडीएस कटेगा, बाकी रॉयल्टी प्रोफेशनल फीस टेक्निकल फीस नॉन कंपीट फीस टीडीएस सब कटेगा जब 30,000 से ऊपर है, इसमें कटेगा। क्या कह रहा है ये? डज नॉट एक्सीड 30,000 इन केस ऑफ फीस फॉर प्रोफेशनल सर्विसेज और 30,000 इन केस ऑफ फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज, देयरफॉर देयर विल बी नो टीडीएस। दोनों को एग्रीगेट नहीं करेंगे आप, देयर विल बी नो टीडीएस। ओके, की नोट वन, 28,5 रिप्रोड्यूस किया हमने नॉन कंपीट फीस वाला। नंबर टू कहता है इंडिविजुअल एचओएफ को टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है, बट इंडिविजुअल एचओएफ टीडीएस तब काटेंगे अगर प्रीसीडिंग या टर्नओवर एक्सीडेड 1 करोड़ या 50 लाख इन बिजनेस। ये पढ़िए, मैंने बताया था आपको लास्ट क्लास में टीडीएस काटना होता है इवन इफ पेमेंट इज फॉर पर्सनल पर्पसेस। जैसे मैं रेंट अपने रहने के लिए दे रहा हूं, अपनी फैमिली के रहने के लिए दे रहा हूं, टीडीएस काटना पड़ेगा। सिर्फ दो एक्सेप्शन होती है, क्या क्या? 194C एंड 194G। 194C में था कि अगर आप पर्सनल पर्पस के लिए कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट दे रहे हैं टीडीएस नहीं कटेगा, ठीक है। हाउएवर सच इंडिविजुअल एचयूएफ शैल नॉट बी लायबल टू डिडक्ट इनकम टैक्स। ये कौन सा इंडिविजुअल एचयूएफ है जिसका प्रीसीडिंग या टर्नओवर एक्सीडेड 1 करोड़, प्रोफेशनल एसिड एक्सीड 50 लाख, उनको टीडीएस नहीं काटना है।
अगर प्रोफेशनल फीस के लिए पेमेंट कर रहे हैं फॉर देयर पर्सनल पर्पस, घर के झगड़े हैं उसके लिए लॉयर को हायर कर रहे हैं. सो इंडिविजुअल एचयूएफ को अगर प्रीसीडिंग ईयर में टर्नओवर एक्सीडेड 1 करोड़ इन बिजनेस, 50 लाख इन प्रोफेशन, टीडीएस काटना होता है. बट टीडीएस दो जगह नहीं काटना होता. कहां? अगर कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट कर रहा है फॉर पर्सनल पर्पसेस, नंबर टू प्रोफेशनल सर्विसेज के लिए पेमेंट कर रहा है. टेक्निकल सर्विसेज कवर नहीं है, यहां पर टेक्निकल सर्विसेज कवर नहीं है. इंस्टीट्यूट ने एक एमसीक्यू में आपको इस तरह से हड़का दिया. हाउवर सच इंडिविजुअल एचयूएफ शैल नॉट बी लायबल टू डिडक्ट इनकम टैक्स ऑन द सम बाय वे ऑफ फीस फॉर प्रोफेशनल सर्विसेज इन केस सच सम इज पेड एक्सक्लूसिवली फॉर पर्सनल पर्पसेज ऑफ द इंडिविजुअल ऑफ मेंबर ऑफ हिज एचयूएफ. हाउएवर द लायबिलिटी टू डिडक्ट टीडीएस इवन इन सच अ केस विल बी देयर अंडर 194M, जो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे. बट अभी आप ये मानिए, इंडिविजुअल एचयूएफ अगर प्रीसीडिंग ईयर में टर्नओवर 100 लाख से एक्सीड कर रहा था बिजनेस में, प्रोफेशनल एक्सीड 50 लाख से एक्सीड कर रही थी, तो उसे टीडीएस काटना होता है 194C में, 194J में. लेकिन टीडीएस नहीं काटना होता अगर वो कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट कर रहा है 194C में पर्सनल पर्पस के लिए, प्रोफेशनल को पेमेंट कर रहा है फॉर हिज पर्सनल पर्पसेस लाइक डिफेंडिंग अ फैमिली केस. 3, एनी सेटिंग फीस पे टू डायरेक्टर इज सब्जेक्ट टू टीडीएस एट द रेट ऑफ 10% अंडर 194J. यहां कोई थ्रेशहोल्ड नहीं है. सो इवन 5,000 की डायरेक्टर सेटिंग फीस दी जाएगी, टीडीएस कटेगा. इट इज नॉट ओनली द सेटिंग फीस विच इज कवर्ड बाई 194J, बट ऑल पेमेंट टू डायरेक्टर विच आर नॉट टैक्सेबल एज सैलरी आर कवर्ड बाय 194J. फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन, प्रोफेशनल सर्विसेज मीन्स द सर्विसेज रेंडर्ड बाय अ पर्सन इन द कोर्स ऑफ कैरिंग ऑन लीगल, मेडिकल, इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चुरल प्रोफेशन और प्रोफेशन ऑफ अकाउंटेंसी और टेक्निकल कंसल्टेंसी, इंटीरियर डेकोरेशन, एडवर्टाइजिंग और सच अदर प्रोफेशन एज इज नोटिफाइड विद द बोर्ड फॉर द पर्पस ऑफ 44AA और फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन. सो मेडिकल सर्विसेज कवर्ड है यहां पर, प्रोफेशनल सर्विस में लीगल सर्विसेज कवर्ड है, अकाउंटेंट CA की सर्विस कवर्ड है, एडवर्टाइजिंग. अब आप कहेंगे एडवर्टाइजमेंट तो 194C में भी आ रहा था, यहां पर भी आ रहा है, यहां 10% रेट है, किस तरह रिकंसाइल करेंगे? लिखिएगा पेज 43 एट द टॉप. इफ पेमेंट इज मेड टू मॉडल्स या एक्टर्स फॉर अपियरिंग इन एडवर्टाइजमेंट ₹194 लगेगा 10%. इफ पेमेंट इज फॉर डिस्प्लेइंग द एड लाइक टेलीविजन में एड दे रहे हैं, न्यूज में एड दे रहे हैं, तो 194C लगेगा 1% 2% जो भी है. ओके, ये जो प्लेयर्स होते हैं, क्रिकेट प्लेयर्स, रेजिडेंट क्रिकेट प्लेयर्स, विराट कोहली वगैरह, इनको जो पैसा मिलता है उस पर टीडीएस किस रेट पे कटेगा? क्या ये प्रोफेशनल सर्विसेज होती हैं? इन्होंने कहा प्रोफेशनल सर्विसेज नोटिफाइड विद बोर्ड फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन. एक नोटिफिकेशन आई पेज 45 पर, देखिएगा पेज 45 पर, सीबीडीटी नोटिफाइज
the services rendered by the following persons in relation to sports activities as professional services under 194J. CBDT hereby notifies that services rendered by the following persons in relation to sport activities as professional services and accordingly 194J mein TDS katega, sports person. So, sirf cricket hi nahi aata, sare sports aa jate hain. Umpires and referees. एक एग्जामिनर ने आपको बहुत बुरी तरह कंफ्यूज किया. ये कौन से एम्पायर है? इंडियन एम्पायर है. यहां पेमेंट टू रेजिडेंट की बात कर रहे हैं, जो एम्पायर रेजिडेंट है. अगर नॉन रेजिडेंट एम्पायर हो तो क्या होगा? इंटरनेशनल टैक्सेशन पड़ेगी. अगर नॉन रेजिडेंट एम्पायर है, आज जब इंडिया में मैच खेले जाते हैं तो नॉन रेजिडेंट एम्पायर बुलाए जाते हैं सो दैट दे आर न्यूट्रल. तो जो उनको पेमेंट दी जाती है 194J में कवर नहीं है. इट्स कवर्ड बाय 195 कोई और सेक्शन है 185 राइट. सो पेमेंट्स टू नॉन रेजिडेंट एम्पायर्स रेफरीज नॉन रेजिडेंट स्पोर्ट्समैन इज नॉट कवर्ड बाय 194J. एम्पायर्स रेफरीज कोचेस ट्रेनर्स टीम फिजिशियंस फिजियोथेरेपिस्ट इवेंट मैनेजर्स कमेंटेटर्स एंकर्स स्पोर्ट कॉलमनिस्ट. सो ये सारे आपके प्रोफेशनल माने जाएंगे और इस पर टीडीएस कटेगा एट द रेट ऑफ 10%. चीयर गर्ल्स बताइए, चीयर गर्ल्स जो होती हैं, चौका लगता है, छक्का लगता है, डांस करने आ जाती हैं, ये क्या इंडियन होती है? फॉरनर्स होती हैं. तो चीयर गर्ल्स को जो फॉरनर्स होते पेमेंट की जाती है उसको हम पढ़ेंगे इंटरनेशनल टैक्सेशन में सेक्शन 115BBA. सो आपको याद दिलाऊंगा, जब हम 194J कर रहे थे आपने चीयर गर्ल्स का सवाल उठाया था. मैंने कहा था चीयर गर्ल्स नॉर्मली फॉरनर्स होती है. 194J डील विद पेमेंट टू रेजिडेंट. सो पेमेंट टू नॉन रेजिडेंट हम इंटरनेशनल टैक्सेशन में करेंगे. तो ये चीयर गर्ल्स का एग्जाम्पल हम 115BBA में करेंगे, वहां इस पर लॉ बना हुआ है. ओके, क्या होता है? अच्छा पहले एक रेगुलर करते हैं. रेगुलर पेज 43. Fees for technical services means fees for rendering any managerial, page 43, technical consultancy services including provision of services or technical or other personnel. अब इस पर तो 2% कर दिया हमने. तो अब जो AMC contract वगैरह है, AMC of computers, AMC of lift, they are all covered as fees for technical services. उस पर TDS 194J में 2% कर दिया ताकि 194C में दिक्कत ना आए, से कंफ्लिक्ट ना आए. ये रॉयल्टी की डेफिनेशन आप करेंगे इन फॉरेन टैक्सेशन. अभी करा दूंगा, समझ में नहीं आएगा कुछ. जब आप फॉरेन टैक्सेशन करेंगे वहां रॉयल्टी की डेफिनेशन डिटेल में कराऊंगा. हर क्लॉज 5 में चेंज आया है. रॉयल्टी का मतलब होता है एनी पेमेंट फॉर ट्रांसफर ऑफ ऑल और एनी राइट्स इंक्लूडिंग ग्रांटिंग ऑफ अ लाइसेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉपीराइट लिटररी आर्टिस्टिक साइंटिफिक वर्क इंक्लूडिंग फिल्म्स वीडियो टेप्स फॉर यूज इन कनेक्शन विद रेडियो ब्रॉडकास्टिंग बट नॉट इंक्लूडिंग कंसिडरेशन फॉर सेल डिस्ट्रीब्यूशन और एग्जीबिशन ऑफ सिनेमेटोग्राफिक फिल्म्स. ये जो मूवीज होती हैं उनकी सेल होती है, डिस्ट्रीब्यूशन होती है, एग्जीबिशन होती है. डिस्ट्रीब्यूशन के बाद प्रोड्यूसर एग्जीबिट करता है तो उसके लिए जो पेमेंट देता है वो रॉयल्टी में मानी जाएगी. पहले क्यों नहीं मानी जाती थी ये फॉरेन टैक्सेशन में देखेंगे.
सो अब जो पेमेंट की जाती है फॉर सेल ऑफ सिनेमेटोग्राफिक फिल्म्स, डिस्ट्रीब्यूशन एग्जीबिशन ऑफ सिनेमेटोग्राफिक फिल्म्स, उसको हम रॉयल्टी की डेफिनेशन में लेंगे और उस पर टीडीएस कटेगा एट द रेट ऑफ 2%. करण जौहर पीवीआर को बोलता है कि मेरी फिल्म दिखाइए और जितनी भी टिकट सेल होगी उसका 40% मैं लूंगा, ये रॉयल्टी मानी जाएगी. और जब करण जौहर को पेमेंट मिलेगी, पीवीआर वाला इस पे 2% टीडीएस काटेगा. सो पहले हम इंटरनेशनल टैक्सेशन में समझेंगे कि जो फिल्म्स बिकती थी, करण जौहर बेचता है या फिर एग्जीबिशन के राइट्स देता है, डिस्ट्रीब्यूशन के राइट्स देता है, तो उसको रॉयल्टी नहीं मानते थे. बेसिकली उसे बिजनेस प्रॉफिट माना जाता था, बट कुछ इश्यूज हुए जो पड़ेंगे आप इंटरनेशनल टैक्सेशन में. बट इन्होंने अब कर दिया कि रॉयल्टी विल इंक्लूड दैट. यानी अगर फीचर जो फिल्म बनाई करण जौहर ने, आउटराइट सेल तो करेगा नहीं, इसलिए आउटराइट सेल भी कर देता है या फिर डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स देता है या एग्जीबिशन राइट्स देता है, उसके लिए जो पेमेंट होगी करण जौहर को, दैट इज रॉयल्टी. और अभी आपने पढ़ी थी अमेंडमेंट ऑन पेज 41 कि 2% टीडीएस कटेगा इस रॉयल्टी पर, which is the nature of consideration for sale, distribution, exhibition of cinematographic films. Okay. Important. आपको याद होगा जब आप पीजीबीपी कर रहे थे, depreciation कर रहे थे, तो मैंने कहा था कंप्यूटर्स पर डेप्रिसिएशन रेट 40% है, और मैंने कहा था कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स ऑल दो इनकम टैक्स रूल्स में लिखा है 40%, बट मैंने ये कटवा दिया था. आपको कहा था कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के लिए जो पेमेंट करेंगे, दैट इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के लिए पेमेंट करेंगे, दैट इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. अब आपको समझ में आएगा क्यों इन्होंने रॉयल्टी की डेफिनेशन में डाला, कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर परचेज करने के लिए कुछ पेमेंट करते हैं आप, दैट विल बी ट्रीटेड एज रॉयल्टी. तो कोई भी सॉफ्टवेयर में राइट लेते हैं, लाइसेंस लेते हैं सॉफ्टवेयर का, ईयरली बेसिस पर या फिर लाइफ टाइम बेसिस पर, जैसे भी कोई ले रहे, मतलब सॉफ्टवेयर खरीद रहे हैं या सॉफ्टवेयर का लाइसेंस ले रहे हैं, उसके लिए जो पेमेंट करेंगे, दैट इज ट्रीटेड एज रॉयल्टी. दीज अमेंडमेंट्स केम लॉन्ग बैक बाय द फाइनेंस एक्ट 12 सेक्शन 9 विच डिफाइंस रॉयल्टी. ये जो ऊपर क्लॉज सी में डेफिनेशन रॉयल्टी की, सेक्शन 9 से ली हुई हमने रॉयल्टी. सो डेफिनेशन ऑफ रॉयल्टी में इन्होंने एक्सप्लेनेशन ऐड की. For the removal of doubt, it is hereby declared that transfer of all or any rights in respect of any right, property, information includes and has always included transfer of all or right for use or right to use a computer software, including granting of a license irrespective of the medium through which the right is transferred. Language छोड़िए, ये language हम foreign taxation में पढ़ेंगे, but सिंपली ये कह रहे हैं कि कोई भी पेमेंट की जाती है फॉर यूज ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, चाहे लाइसेंस मिल रहा है आपको, किसी भी तरह ट्रांसफर हो रहा है, इंटरनेट के थ्रू परचेज कर रहे हैं ये सॉफ्टवेयर, या सीडी पेन ड्राइव में परचेज कर रहे हैं, इसको हम रॉयल्टी ही मानेंगे. एक्सप्लेनेशन 4 टू सेक्शन 9 एडेड बाय द फाइनेंस एक्ट 12 क्लेरिफाइज That payment received for transfer of, तो explanation ना पढ़ के simple पढ़िए, that the payment received for transfer of all or any right to use a computer software
including granting of license for computer software is royalty. Therefore, if a resident imports a software from abroad, तो payment तो NR को करेगा, फिर ये section नहीं लगे, एक section पढ़ेंगे 115A, 195, जहां 10% पर taxable होती है royalty. Therefore, if a resident imports a software from abroad, gets a license to use a software from abroad, then payment received by the foreigner shall be treated as royalty. Since the software is to be used in India, the royalty shall be taxable. In hands of foreigner in India, an Indian making the payment shall deduct TDS under 195 at 10% as given in 115A. Ye international taxation mein padhenge. Even if software is purchased by an Indian from resident in India, then payment received by the resident in India is royalty. Aur jo Indian purchase kar raha hai software ko, deduct karega TDS at the rate of 10%. टीडीएस सब होगा जब पेमेंट जो हो रही है दैट एक्सीड्स रुपीज 30,000, द पेमेंट एक्सीड रुपीज 30,000. अब बोर्ड ने यहां क्लेरिफिकेशन ऐड की, एबीसी ने सॉफ्टवेयर बनाया, प्रोड्यूस किया, इसको बेच दिया डीएएफ को 1 लाख का. अब जब डीएएफ इसको पेमेंट करेगा 10% टीडीएस काटेगा 194J में. डीएएफ इस सॉफ्टवेयर को आगे बेचती है एबीसी को विदाउट मेकिंग मॉडिफिकेशंस 1,10,000. अभी तक जो आपने पढ़ा उसके हिसाब से एबीसी को भी 1/10 पे टीडीएस काटना होगा, बट बोर्ड कहता है कि एबीसी को टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है. अगर डीएफ सर्टिफिकेट देता है एबीसी को कि मैंने इसे प्रीवियस पर्सन से परचेस किया है और उस पर टीडीएस कट चुका है, तो उस केस में एबीसी को टीडीएस काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी. देखिएगा, तो पहली बात, जो सॉफ्टवेयर के लिए पेमेंट होगी उसे रॉयल्टी माना जाएगा. तो अकॉर्डिंगली अगर आप सॉफ्टवेयर खरीद रहे हैं किसी रेजिडेंट से अबव रुपीज 30,000 का, तो आपको 194J में 10% टीडीएस काटना पड़ेगा. और हम इंटरनेशनल टैक्सेशन में पढ़ेंगे, अगर फॉरनर से खरीद रहे हैं तो रॉयल्टी मानी जाती है पेमेंट, उसके हाथ में टैक्स होती है 10% पर और टीडीएस करता है 10% पे अंडर 195. द फॉलोइंग क्लेरिफिकेशन ऑफ सीबीडीटी में बी नोटेड. द सेंट्रल गवर्नमेंट हेयरबाय नोटिफाइज दैट नो डिडक्शन ऑफ टैक्स शैल बी मेड ऑन द फॉलोइंग स्पेसिफिक पेमेंट अंडर 194J ऑफ द एक्ट, नेमली इस पर टीडीएस नहीं कटेगा. जो एबीसी डीएफ को पे करेगा टीडीएस नहीं कटेगा. अगर ये नोटिफिकेशन नहीं होती फिर कट जाता. पेमेंट बाय अ पर्सन हेयर इन आफ्टर कॉल्ड एज द ट्रांसफरी एबीसी. जो पेमेंट करेगा एबीसी, पेमेंट बाय पर्सन हेयर इन आफ्टर रेफर्ड एज अ ट्रांसफरी एबीसी फॉर एक्विजिशन ऑफ सॉफ्टवेयर फ्रॉम अनदर पर्सन बीइंग रेजिडेंट here and after referred as transfer. Defines the transfer DF where the software is acquired in subsequent transfer and transfer has transferred the software without any modification. ये software acquire किया गया था in a subsequent transfer and transferred और डीएफ ने इसे आगे बेच दिया है विदाउट मेकिंग एनी मॉडिफिकेशन. टैक्स हैज बीन डिडक्टेड अंडर 194J ऑन पेमेंट फॉर एनी प्रीवियस ट्रांसफर ऑफ सच सॉफ्टवेयर. तो 194J में टीडीएस कट गया है, उस केस में अब एबीसी टीडीएस नहीं काटेगी, या फिर
TETS deduct with a 195 may on payment for any previous transfer of the software from a non-resident. तो अगर NR से परचेज किया था आपने DF ने तो 195 में TETS काट लिया होगा DF ने 10%. तो भी जब DF ABC को बेचेगी ABC TETS नहीं काटेगी. तो द सेंट्रल गवर्नमेंट hereby notifies that no deduction of tax will be made on the following specified payment under 194G of the Act, namely payment by person ABC. Herein after referred as transfer for acquisition of software from another person DEF. ABC, that's this is PQR. That's its PQR. So PQR ने बेचा DF को, DF ने बेचा ABC को. तो अगर यहां पर TDS कट गया था तो यहां TDS नहीं कटेगा. So the payment by a person ABC for acquisition of software for another person from DF being a resident herein after called the transfer DF where the software is acquired in subsequent transfer. Software isne acquire kiya subsequent transfer mein and transfer had transferred the software without modification. Isne koi modification nahi kiya. Tax has been deducted under 194J on the payment for any previous transfer of such software. Isme 194J mein TDS kat gaya hai. अगर परचेज की थी आपने पी की वार जो रेजिडेंट है और 195 में टीडीएस कट गया है अगर परचेज किया था आपने नॉन रेजिडेंट से. यहां पर ट्रांसफरी जो है ही विल गेट अ सर्टिफिकेट फ्रॉम द डीएफ जो ये बातें सर्टिफाई करेगा. सो ट्रांसफरी एबीसी ऑब्टेन्स अ डिक्लेरेशन फ्रॉम द ट्रांसफरर दैट टैक्स हैज बीन डिडक्टेड आइदर अंडर क्लॉज ए क्लॉज बी ऑफ क्लॉज टू along with the PAN number of the transferor. For example, Reliance imports software of 10 lakhs from Microsoft US on B-Check case. Reliance ko TDS katna hoga 195 mein 10%. Reliance purchases software of 10 lakh from Microsoft India on B-Check case. Microsoft India has itself produced the computer software. अब Reliance TDS deduct करेगा on the payment made to Microsoft at the rate of 10% under 194J. If in illustration to Microsoft India has imported the software from Microsoft US and Microsoft India has deducted TDS at 10% under 195, then Reliance is not required to deduct TDS on payment made to Microsoft India, provided Microsoft India has not made any modification. Any modification in the software, and Microsoft India gives declaration to Reliance that it has deducted TDS under 195 on payment made to Microsoft US. 4. Reliance purchased a software from HP India. HP India has purchased a software from Infosys. Reliance is not required to deduct TDS on payment made to HP India if HP India has not made any modification of software and HP India gives declaration to Reliance that it has deducted TDS under 194G on the payment made to Infosys. मैंने बताया था कि इनकम टैक्स रूल्स में लिखा है कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पे डेप्रिसिएशन 40% है, जबकि इनकम टैक्स एक्ट कहता है कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के लिए जो पेमेंट करेंगे डेट्स रॉयल्टी एंड देयरफॉर दैट्स अलाउबल एक्सपेंडिचर अगर टीडीएस काट लिया आपने. अगर आप सॉफ्टवेयर परचेज करते हैं 194J में टीडीएस नहीं काटते, 40
ए वन ए में 30% डिसअलाउ हो जाएगा, और अगर पेमेंट करें एनआर को तो 40A1 में 100% डिसअलाउ हो जाएगा। अब क्या है, देखिए रूल्स कह रहे हैं कि सॉफ्टवेयर पे डेप्रिसिएशन मिलेगी, जबकि एक्ट कहता है कि सॉफ्टवेयर इज रॉयल्टी, इट्स अलाउबल एज एक्सपेंडिचर, क्या प्रिवेल करेगा? तो देखिए, जब इनकम टैक्स एक्ट और रूल्स में कंफ्लिक्ट आ जाता है, एक्ट विल प्रिवेल, इनकम टैक्स एक्ट विल प्रिवेल। पेज 45, एन इंपॉर्टेंट इशू, सेक्शन 40A1 एंड 40A1A प्रोवाइड्स दैट डिडक्शन फॉर एनी एक्सपेंडिचर बाय वे ऑफ रॉयल्टी पे टू नॉन रेजिडेंट resident respectively shall be allowed if TDS is deducted paid as per the conditions given therein. 40A1 and 40A1A provides that royalty shall have the same meaning as given in section 9. Now after the amendment with the Finance Act 12, royalty includes payment made for computer software. Therefore amount paid for purchase of computer software is royalty and shall be allowed as deduction under 37(1). Income tax rules provide that computer software will be included in block of assets and will be eligible for 40% depreciation. But Income Tax Act provides that payment for computer software is royalty. Income tax rules cannot override the Income Tax Act. Therefore, after amendment by the Finance Act 12, amount paid to obtain the software will be treated as revenue expenditure under 37(1), subject to 40A1, 40A1A, and shall not be added to block of assets. TDS बहुत बड़ा है. Point 5 वही है कि अगर आप auditor को audit fees debit तो ऑडिटर करने की जगह ऑडिट फीस पेबल कर देते हैं तो भी हम मानेंगे इट्स क्रेडिट टू द पे एंड यू आर रिक्वायर्ड टू डिडक्ट द टीडीएस. भगवान ना करे कभी आप अस्पताल जाएं, बट फॉर योर नॉलेज आज आप अपना मेडिकल इंश्योरेंस कराते हैं वो कैशलेस होता है, यानी आप हॉस्पिटल में जाइए वहां आपका बिना पैसे लिए इलाज करेंगे. आप हॉस्पिटल में जाते हैं जब आपका एडमिशन हो रहा होता है, आपसे पूछते हैं कि आपका क्या मेडिकल इंश्योरेंस के थ्रू केस है या विदाउट मेडिकल इंश्योरेंस है. आप कहते हैं मेडिकल इंश्योरेंस है, वो कहते हैं इस रूम में चले जाइए, इस रूम में चले जाइए, वहां टीपीए के एजेंट्स बैठे हुए हैं. टीपीए इज थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर्स. तो इंश्योरेंस कंपनीज ने क्या किया है, टीपीएस अपॉइंट करती है, और हर हॉस्पिटल में जाएंगे आप तो इन टीपीएस के एजेंट बैठे होते अलग रूम में. आपसे पूछा जाता है कि कौन सी कंपनी से इंश्योरेंस कराया आपने, आपका टीपीए कौन है, अकॉर्डिंगली उस एजेंट के पास चले जाते हैं. एजेंट अपने हेड ऑफिस मेल भेजता है कि इलाज के लिए आए हैं, तो हेड ऑफिस से मेल आती है कि 5,00,000 रुपए तक ये खर्च कर सकते हैं कैशलेस, यानी 5,00,000 तक का हॉस्पिटल बिल होगा तो पेमेंट टीपीए करेगा. पेशेंट का बिल आया 4,50,000, उसे कुछ नहीं देना, सिर्फ साइन करके चला जाएगा पेशेंट अपने घर ठीक होने के बाद. अब क्या है, जो टीपीएस हैं ये पेमेंट करते हैं हॉस्पिटल को,
और फिर इन टीपीओ को रीइंबर्समेंट मिल जाती है फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी। तो ये मेडिकल बिल्स इस हॉस्पिटल के टीपीओ सेटल करता है अपनी जेब से, और फिर टीपीओ को रीइंबर्समेंट मिल जाती है, कुछ कमीशन मिल जाती है फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी। अब इशू ये उठा, ये जो टीपीए हॉस्पिटल को पेमेंट कर रहा है, जो टीपीए हॉस्पिटल को पेमेंट कर रहा है, क्या इस पे 194J में टीडीएस काटेगा या नहीं? आंसर इज यस, बिकॉज बोर्ड कहता है कि लॉ कहता है पेमेंट मेड फॉर प्रोफेशनल सर्विसेज, प्रोफेशनल सर्विसेज इंक्लूड मेडिकल सर्विसेज, और यहां पेमेंट जो कर रहा है टीपीए इट्स फॉर मेडिकल सर्विसेज ओनली, एंड देयरफॉर एज पर द सीबीडीटी टीडीएस हैज टू बी डिडक्टेड। पेज 46 पॉइंट 7 इंपॉर्टेंट मार्क करिए, एप्लीकेबिलिटी ऑफ 194J इन केस ऑफ ट्रांजैक्शंस बाय टीपीएस विद हॉस्पिटल्स, द सर्विसेज रेंडर्ड बाय हॉस्पिटल्स टू वेरियस पेशेंट्स आर प्राइमरली मेडिकल सर्विसेज एंड देयरफॉर प्रोविजंस ऑफ 194J आर एप्लीकेबल ऑन पेमेंट्स मेड बाय टीपीएस टू द हॉस्पिटल। फर्दर, फॉर इनवोकिंग प्रोविजंस ऑफ 194J देयर इज नो स्टिपुलेशन दैट प्रोफेशनल सर्विसेज हैव टू बी नेसेसरली रेंडर्ड टू द पर्सन हु मेक्स द पेमेंट, देयरफॉर टीपीएस हु आर मेकिंग द पेमेंट ऑन बिहाफ ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज टू द हॉस्पिटल्स for settlement of medical insurance claims etc under various schemes including cashless schemes are liable to deduct TDS under 194J on payments made to hospitals. And the last issue for today is, aaj bahut sare NRs foreign companies इंडिया में बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो कंसल्टेशन लेते हैं इंडियन सीएस से, बिग फोर से कंसल्टेशन लेते हैं, लॉयर से उनको पेमेंट्स कर रहे हैं 10 लाख रुपीस। तो अगर आप देखिए पेमेंट वो रेजिडेंट हो रही है 194J लग जाता है, बट इन फॉरनर्स के लिए एडमिनिस्ट्रेटिवली पॉसिबल नहीं होता टीडीएस काटना, एंड देयरफॉर बोर्ड इश्यूज अ सर्कुलर पेज 46.8, नो टीडीएस ऑन प्रोफेशनल फीस पेड बाय एनआरस टू सीएस लॉयर्स एडवोकेट्स सॉलिसिटर्स इन इंडिया। प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज अराइज व्हेन फर्म्स ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स लॉयर्स आर रिसीविंग फीस फ्रॉम द फॉरन क्लाइंट्स आउटसाइड इंडिया, सिंस इट इज डिफिकल्ट फॉर दीज फॉरन क्लाइंट्स टू डिडक्ट टीडीएस एंड पे टू द इंडियन गवर्नमेंट, देयरफॉर इट इज बीन प्रोवाइडेड इन अ रीसेंट सर्कुलर दैट इफ एनी फीस इज पे थ्रू रेगुलर बैंकिंग चैनल्स टू एनी चार्टर्ड अकाउंटेंट लॉयर एडवोकेट सॉलिसिटर हु इज रेजिडेंट इन इंडिया बाय नॉन रेजिडेंट हु डू नॉट हैव एनी एजेंट ऑफ बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया, then such fees shall not be subjected to any deduction of tax at source under the chapter of TDS. आज के लिए इतना ही काफी है, पॉइंट 9-10 पढ़ के आइएगा नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में कोशिश करेंगे, कोशिश तो करना पड़ेगा हमें, TDS खत्म करेंगे ताकि TDS के प्रोसीजर पे आ सके हम। TDS के प्रोसीजर के बाद TCS है, तो लॉ बहुत वाइडन हो गया है, और कुछ सेक्शंस आए हैं फाइनेंस एक्ट 21 से, फाइनेंस एक्ट 20 से भी आए हैं, एक तो मैं करा चुका आपको 194N, जिस पर हमारा टाइम लगेगा, टाइम लगाना पड़ेगा बिकॉज एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। विल स्टॉप इट।